पूरा आर्बिट्रेशन एक्ट का ओवरव्यू है इसमें, इंक्लूडिंग रीसेंट अमेंडमेंट्स। ये आवाज कहां से आ रही है तुमको बाद में समझेगा। गुड मॉर्निंग। सी वी आर ऑन द वर्ज ऑफ लास्ट लेक्चर। फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने के बाद ऐसा फुल फ्लो में 20 फेब को स्टार्ट किया था, राइट? एंड आज 15 मार्च एंड यू गॉट टू हॉलीडेज, एक कल और एक होली का दिन, बराबर? हाँ, सो टेक्निकली 25 दिन में तुम्हारा ज्यूरिसप्रूडेंस हम लोग ने खत्म कर दिया। मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया, बाकी बाकी तुम लोग का पता नहीं। अब देखो, ये जो लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, इस टॉपिक में ना मेजर अमेंडमेंट्स है, मतलब लगभग कुछ ऐसे सेक्शंस है, उन सेक्शंस में अच्छा खासा अमेंडमेंट लाया इंस्टीट्यूट ने। सो पूरा टॉपिक का ओवरव्यू लेंगे, पूरा टॉपिक एक बार रिवाइज करेंगे, पूरा पीछे LMR फॉर्म में, लास्ट मिनट रिवीजन के फॉर्म में नोट्स बना दिया मैंने, इंक्लूडिंग इन नोट्स में वो सारे अमेंडमेंट्स भी है जो अमेंडमेंट्स रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने लाए। And all those amendments are applicable to June 20 batch and as well as your batch. December 20 को तो but obvious applicable है ही, but जो June 20 का batch है, जिनके exams अभी होंगे, उनको भी ये amendments applicable है. So if any of your friend or relative or X, Y and Z, उसको वो June में exam देगा, तो उसको बोलना कि ये, मतलब आपके notes पढ़ ले। फिर अब क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट करता क्या है, एंड आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट है क्या। पीछे जो लिखा हुआ है फिलहाल छोड़ दो, उसको बाद में देखते हैं। स्टॉप राइटिंग, आप लोगों को राइटर नहीं बनना, ठीक है? सो जान दो, बंद कर दो बुक्स, सिर्फ सुनो। नेक्स्ट 1.5-2 घंटे मेरी बात समझो फॉर द लास्ट टाइम और सुनो अच्छे से, ध्यान से सुनो। आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट का काम क्या है, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट करता क्या है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है, कौन सा लेवल पे काम करता है, क्या एक्ट का स्कोप है, क्या मेजर अमेंडमेंट्स है, सब कुछ कवर करेंगे हम लोग ये लेक्चर के अंदर। स्टार्टिंग विद एक्ट क्यों बनाया गया, एक्ट के पीछे का पर्पस क्या है। देखो, वाइल डिस्कसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तो उसमें भी मैंने तुमको बताया था कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज ओवरबर्डन, इंडियन कोर्ट्स आर ओवर बर्डन, उनको इतना सारा काम है। इनफैक्ट एक मूवी में एक जज ने भी बोला था कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम का हालत ऐसा है कि एक जज के ऊपर 1 लाख केसेस है, एंड इसके बाद भी जब दो लोगों में झगड़ा होता है ना, तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को बोलता है आई विल सी यू इन कोर्ट। सालो तुमको सेक्शन पूछा वो आएगा नहीं, डायलॉग आता है, मूवी का नाम पता है 2। बट क्वेश्चन आता कि सर उसका इससे क्या लेना था, लाइक इंडियन कोर्ट्स आर ओवर बर्डन, वी नो दैट, बट द क्वेश्चन इज उसका इस टॉपिक से क्या लेना देना। ये आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन क्या करता है, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट तुमको मैनर बताता है, तुमको प्रोसीजर बताता है, किस चीज का प्रोसीजर, कि आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट कैसे करने का, लाइक अदर देन इफ पार्टीज आर इन डिस्प्यूट एंड उस डिस्प्यूट को कोर्ट में लेकर जाने के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या, इज देर एनी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और इज देर एनी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट, ऐसा कोई है क्या सर? तो है,
उसी के लिए पूरा एक्ट बना के रखा है, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट तुमको प्रोसीजर बताएगा कि इंडिया के कोर्ट्स में ना जाकर तुम अपने डिस्प्यूट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो इंडिया के कोर्ट्स के बाहर। के रीजन बाहर जाने का वही रीजन है, एक तो वो काफी ज्यादा लेंदी प्रोसीजर है, ऊपर से टाइम कंज्यूम है, ऊपर से फिर वो तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, ऊपर से उसके बाद जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि चलो फाइनल डिसीजन आया तो उसको फाइनल मान दिया जाए, फिर वो अपील स्ट्रक्चर में ऊपर जाओ, सो टेक्निकली बड़ा प्रोसेस है। तो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट पूरा मैनर बताता है। अब देखो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट चलता कैसे, टेक्निकली दो तरीके के आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। एक को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, एक प्रोसीडिंग्स को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, एंड द अदर प्रोसीडिंग्स एडहॉक आर्बिट्रेशन। एक प्रोसीजर है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का एंड दूसरा प्रोसीजर है एडहॉक आर्बिट्रेशन का। क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का मतलब इंडिया में कुछ ऐसे बॉडीज बना के रख दिए हैं, देर आर सम बॉडीज जिनके पास अपना मैटर लेकर जाओ, अपना डिस्प्यूट लेकर जाओ, वो आपको सॉल्व करके दे देंगे कि हमारा झगड़ा हुआ। जैसे सर जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, फॉर एग्जाम्पल अभी एक नया बॉडी बना है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। सिमिलरली और भी ऐसे दो तीन बॉडीज है जिनको बना के रख दिया, आपको क्या करना है, आप दोनों पार्टीज को जिनके बीच में झगड़ा हुआ है वो दोनों पार्टीज को उस इंस्टीट्यूट के पास जाना है, उनको बताना है कि सर ये मेरा इशू है, वो बताएगा ये मेरा डिफेंस है, एंड वो इंस्टीट्यूशन अपने तरीके से उस केस को सॉल्व कर देगा। सर क्वेश्चन आता है आर्बिट्रेशन के पास जाने से क्या केस, अगर कोर्ट में नहीं जाता हूँ आर्बिट्रेशन के पास जाता हूँ तो उससे केस क्या जल्दी सॉल्व होगा। यस, वही तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, क्या इसका खर्चा ज्यादा होगा, हाँ टेक्निकली आर्बिट्रेशन वगैरह का खर्चा ज्यादा होता है इफ आई कंपेयर विद द कोर्ट का खर्चा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि एक तो जल्दी खत्म होता है, दूसरा प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, एंड उनका यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि तुम्हारे केस को जितना जल्दी होके खत्म करे तो वो अच्छा है। अच्छा, दूसरा सर एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन तो समझा कि इंस्टीट्यूशन के पास जाएंगे वो सॉल्व करके देगा झगड़ा, एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है। एडहॉक आर्बिट्रेशन का मतलब पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे क्या कि आर्बिट्रेटर कौन होगा, ये पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे, मतलब हमारा झगड़ा कौन सॉल्व होगा ये आर्बिट्रेटर पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे कि आर्बिट्रेटर कौन होगा। दूसरा, पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे कि आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का मैनर क्या होगा। तीसरा, पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे कि आर्बिट्रेशन का सेटलमेंट कौन सी जगह पे होगा। चौथा, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के बाद आर्बिट्रेटर के साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है ये पार्टीज खुद डिसाइड करेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि सर एडहॉक आर्बिट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन में ऐसा फर्क क्या हुआ। फर्क सबसे बड़ा ये है, इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन पार्टीज डज नॉट डिसाइड एनीथिंग, हु विल बी द आर्बिट्रेटर दैट विल बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। सिमिलरली व्हाट विल बी द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर विल बी डिसाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट। अच्छा, इनके अलावा इंस्टीट्यूट पार्टीज को बताएगा कि तुमको कहाँ आना है, कब आना है, किस तरीके से आना है, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने, कौन सा क्लेम रखना है। पार्टीज इंस्टीट्यूट बताएगा पार्टीज को कि कौन से डिफरेंसेस तुमको बताने। इन केस ऑफ एडहॉक आर्बिट्रेशन सब कुछ पार्टीज डिसाइड करता है, हर चीज पार्टी डिसाइड करता है कि प्रोसीडिंग कहाँ पे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का तरीका क्या होगा, कितने आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे, कितने टाइम में केस खत्म होना चाहिए। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये कि सर आपने बोला पार्टीज विल डिसाइड द एंटायर प्रोसीडिंग फ्रॉम डे वन टू डे एंड, सब पार्टीज डिसाइड करेंगे, बट सर पार्टीज पहले से ही झगड़े में, पार्टीज दे आर ऑलरेडी इन डिस्प्यूट। तो क्वेश्चन आता कि सर कैसे डिसाइड कर पाएंगे, जो पहले ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दो लोगों के बीच में, तो वो सॉल्व कैसे कर पाएंगे, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ही आता। सो सर कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फैक्टर्स होने चाहिए ना, जिन स्टैंडर्ड फैक्टर्स को दोनों पार्टीज रेफर करेंगे एंड रेफर करके एक कंसेंट पे आएंगे। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड प्रोविजंस होने चाहिए ना, जिन प्रोविजंस को दोनों पार्टी समझेंगे एंड दोनों पार्टी समझने के बाद फाइनली उस केस को, मतलब उस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करके एंड करेंगे। लाइक मेरे कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल सर आपने बोला कि पार्टीज विल डिसाइड द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेटर,
बट क्वेश्चन आता है कि सर एक पार्टी बोलता है मेरे हिसाब से प्रोसीजर ही होना चाहिए, दूसरा पार्टी बोलता है मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो फिर सर किसका फाइनल करेंगे? तो दोनों अलग अलग प्रोसीजर नहीं बताएंगे, उसके लिए लॉ बना के रखा है। आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट क्या करता है, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट पार्टीज को बोलता है कि अगर तुम खुद डिसाइड करते हो, इफ पार्टीज यू डिसाइड दैट योर डिस्प्यूट विल बी सॉल्व्ड थ्रू एडॉक आर्बिट्रेशन, जब तुम पार्टीज खुद डिसाइड करते हो कि तुमको खुद से आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, तो उस अपॉइंट करने का प्रोसीजर तुम खुद से डिसाइड मत करो, वो डिसाइड तुम खुद से ही करो, बट डिसाइड करने के लिए तुमको अगर कोई स्टैंडर्ड मेथड चाहिए जिसको तुम रेफर करके डिसाइड कर सकते हो कि किस तरीके से अपॉइंट करना है, तो वो स्टैंडर्ड मेथड ना लॉ देता है। लॉ बोलता है कि मैं तुमको बताता हूं कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का एक्चुअल प्रोसीजर क्या होना चाहिए, फिर तुम उसको देखकर अपने हिसाब से प्रोसीजर बनाओ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आर्बिट्रेशन एक्ट बोलता है कि कभी भी इवन आर्बिट्रेटर्स नहीं होने चाहिए, हमेशा आर्बिट्रेटर्स का नंबर ऑड होना चाहिए। रीजन बिहाइंड, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों पार्टीज अपना अपना आर्बिट्रेटर लेकर आएंगे तो कहना ऐसे उन दोनों पार्टीज का आर्बिट्रेटर उन दोनों पार्टीज का अपना अपना साइड लेगा, एवरी आर्बिट्रेटर विल टेक अ साइड ऑफ रिस्पेक्टिव पार्टी, तो उस केस में केस डिसाइड कैसे होगा? तो ये एक्ट क्या बोलता है, देयर शुड बी एन अनइवन आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर हमेशा ऑड नंबर में होने चाहिए। ये बोलता है कि तुम खुद से डिसाइड करो, बट डिसाइड करने के अलावा जो स्टैंडर्ड मैनर होना चाहिए, जो प्रोसीजर होना चाहिए, जो प्रोविजंस होना चाहिए, वो तुम इस एक्ट से ले लो, वो तुमको ये एक्ट बता देगा। सो क्वेश्चन आता है, सर आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट अदर देन कोर्ट सेटलमेंट व्हाट आर द अदर प्रोसीजर्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट? तो टेक्निकली देर आर फोर प्रोसीजर्स, चार तरीके होते हैं जिनसे तुम अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हो बिना कोर्ट में जाए। सो जैसे क्वेश्चन आता है कौन से चार ऐसे प्रोसीजर होते हैं, तो सबसे पहला आर्बिट्रेशन जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, दूसरा कंसीलिएशन जो हम लोग इस टॉपिक में फिर से पढ़ेंगे, जो इस पार्ट टॉपिक का लास्ट पार्ट है जिसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, तीसरा मीडिएशन। मीडिएशन क्या होता है सर, मीडिएशन में दो चार मीडिएटर बैठते हैं, डिस्प्यूटिंग पार्टीज को एक कंसेंट पे लाते हैं। जैसे राम मंदिर केस में हुआ था, राम मंदिर केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन बॉडी बनाने को बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दोनों पार्टीज को बिठाओ और एक कंसेंट पे लाओ, तो उस केस में वो नहीं हो पाया। अगर मैं राम मंदिर केस का बोलूं तो उस केस में नहीं हो पाया, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी को काम दिया था कि तुम बैठ के दोनों पार्टीज को एक कॉमन कंसेंट पे लाओ, तो वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज दोनों पार्टीज कॉमन कंसेंट पे नहीं आना चाहते थे, मीडिएट नहीं करना चाहते थे। चौथा होता है निगोशिएशन, मांडवली, निगोशिएट करो, इसमें प्राइस कम हो जाता है, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, मान लो कॉम्पनसेशन देना एक पार्टी को दूसरे को, तो निगोशिएटर बैठ के कॉम्पनसेशन को कम ज़्यादा करवाता है एंड मैटर को सॉल्व करता है। तो देर आर टेक्निकली फोर टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। कौन से फोर टाइप? एक आर्बिट्रेशन, दूसरा कॉन्सिलिएशन, तीसरा मीडिएशन एंड चौथा निगोशिएशन। सो टेक्निकली द एक्ट डील्स विद टू टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट्स, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। द फर्स्ट इज आर्बिट्रेशन एंड अदर इज कॉन्सिलिएशन। अब आर्बिट्रेशन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंस्टीट्यूशनल एंड दूसरा एडॉक। इंस्टीट्यूशनल में सब कुछ इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा जिसके पास आप जाओगे, एडॉक में सब कुछ आप डिसाइड करोगे, बट आप डिसाइड करने के लिए व्हाट यू विल रेफर दिस एक्ट, यू विल रेफर दिस लॉ, दिस लॉ विल हेल्प यू द मैनर इन विच यू कैन अपॉइंट द आर्बिट्रेटर, द मैनर इन विच आर्बिट्रेटर कैन कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स, द लैंग्वेज इन विच आर्बिट्रेशन विल बी डन, द टाइम पीरियड विद इन विच द प्रोसीडिंग शुड बी कंक्लूडेड। सारी चीजें ये टॉपिक तुमको बताएगा अगर तुम खुद से जाते हो तो। सो सबसे बड़ा फायदा क्या है इस एक्ट का, इंडिया के कोर्ट्स में ना जाकर बाहर बैठकर केस को सॉल्व करने का। क्वेश्चन आता कि सर आर्बिट्रेशन फर्म्स है क्या इंडिया में, तो टेक्निकली जितने भी ये लॉयर्स है, जितने भी लॉयर्स है किसी एक्सपर्ट एक स्पेशलाइज फील्ड में लॉयर्स है, जैसे कॉरपोरेट लॉयर्स हो गए, तो जनरली इंडिया के कॉरपोरेट्स ये कोशिश करते हैं कि हम लोग कोर्ट ना जाकर बाहर बैठ के मैटर को सॉल्व करें। ये बेसिकली सूट्स वगैरह में भी ऐसा दिखाया जाता है काफ़ी बार कि वो लोग बाहर बैठकर ही केस को सॉल्व कर देते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट। रीजन बिहाइंड नहीं जाने का मैं बता चुका हूँ, टाइम कंज्यूमिंग है, वो सब चीज़ें होती है उसमें। अब क्वेश्चन आता है
किस तरीके से चलता है। अब देखो, दोनों पार्टीज एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, और अगर एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या कंडीशंस है, अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, ये बाद में देखते हैं। अगर एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी अपना आर्बिट्रेटर लाती है, दूसरा पार्टी अपना आर्बिट्रेटर लाती है, तो कहना है ऐसे नंबर इवन हो गया, तो ऐड मना करता है। तो उस केस में अगर दोनों पार्टीज अपना अपना आर्बिट्रेटर लेकर आती है, तो उन दोनों आर्बिट्रेटर को एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, एंड दैट तीसरा आर्बिट्रेटर विल बी कॉल्ड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो फाइनल बोलेगा वो माना जाएगा, वो पार्टीज को अग्री करना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखना, अगर आर्बिट्रेटर सिंगल है तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज आर्बिट्रेटर, बट अगर आर्बिट्रेटर एक से ज्यादा है तो उसको आर्बिट्रल फर्म या आर्बिट्रल फर्म बोलते हैं, या उसको आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं। इफ द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स आर मोर देन वन, तो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीछे लिखे हुए जो भी मैंने कंटेंट लिखा है उसमें तुमको 80 80 80 बार बार दिखेगा, तो दैट इज नथिंग बट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रल फर्म, मतलब एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर है। इसीलिए अब किस तरीके से इसको अपॉइंट करते हैं, लैंग्वेज कैसा क्या बोला जाएगा, वो ये पीछे सब कुछ है। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मेरे को तुम लोगों के साथ डिस्कस करना है वो ये है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन में डिफरेंस क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू रेफर द डिसम्बर 19 क्वेश्चन पेपर, देर वॉज वन क्वेश्चन, अगर तुम तुम्हारे जगेश नोट्स में देखोगे तो लास्ट में दिया भी हुआ है, तो देर वॉज वन क्वेश्चन दैट डिफरेंशिएट आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन, इन दोनों के बीच में फर्क क्या है। देखो सबसे पहला डिफरेंस, आर्बिट्रेशन में देर इज विन लूज सिचुएशन, एक पार्टी जीतेगा दूसरा पार्टी हारेगा, एक पार्टी को बोला जाएगा दैट यू आर लाइबल टू डू समथिंग फॉर द अदर पार्टी, सो बट ऑब्वियस एक पार्टी का जीतना जरूरी है और एक पार्टी का हारना जरूरी है, सो देर इज विन लूज सिचुएशन। वेर एज इन केस ऑफ कंसीलिएशन देर इज ऑलवेज विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। कंसीलिएशन क्या होता है, कंसीलिएशन का मतलब होता है कि जब दोनों पार्टीज के बीच डिस्प्यूट है ना, वो डिस्प्यूट को बैठ के शांति से कॉन्सिलिएटर्स बैठते हैं और उनको शांति से दोनों पार्टीज को एक कंसेंट पे लाते हैं, एक कॉमन अग्रीमेंट पे लाते हैं। दूसरा क्या फर्क है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में, आर्बिट्रेशन के केस में आर्बिट्रेटर्स पहले से ही अपॉइंट रहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे और इंस्टीट्यूट के बीच में इफ इन केस झगड़ा हो गया, तो फिर उस केस में हम लोग ने पहले से ही डिसाइड करके रखा है, लाइक इन केस ऑफ एनी फ्यूचर डिस्प्यूट वी विल टेक आवर डिस्प्यूट टू दिस पर्सन और टू दिस फर्म, एंड दैट पर्सन दैट फर्म इज नथिंग बट द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इन शॉर्ट, इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन द आर्बिट्रेटर इज ऑलरेडी अपॉइंटेड, वो अग्रीमेंट जब बनता है ना उसमें ही लिखा जाता है कि कोर्ट नहीं जाएंगे एंड बाहर बैठ के सॉल्व करेंगे, तो अग्री है तो नीचे साइन करो। बट कंसीलिएशन के केस में झगड़े के बाद अपॉइंट होता है, कौन कंसीलिएटर, किस चीज के लिए, चीजों को सॉल्व करने के लिए। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन के केस में, आर्बिट्रेशन हमेशा इवन नंबर में होना चाहिए, 3 5 7 ऑड नंबर में होना चाहिए, अनइवन नंबर में होना चाहिए। कि मैं चेक कर रहा था तुम्हारा ध्यान है कि नहीं, तुम जाग रहे हो कि नहीं, तुमको वायरस है कि नहीं। सारे मास्क पहन के सालों, मेरे को डर लग रहा है, सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्बिट्रेटर्स ऑड नंबर में होने चाहिए। बट कॉन्सिलेटर्स, सर कॉन्सिलेटर्स अगर इवन नंबर में रहेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो कॉन्सिलेटर का? तनु वेट्स मनु पार्ट टू देखा है क्या? द तनु वेट्स मनु पार्ट टू स्टार्ट्स विद द कॉन्सिलेशन थिंग ओनली। उसमें क्या नाम है उसका, कंगना एंड अपना वो आर माधवन, ये दोनों बैठे रहते हैं सामने, एक पैनल ऑफ कॉन्सिलेटर्स बैठा रहता है। इनका काम क्या रहता है कि दोनों की बातों को समझ के इसको बोलने का, भाई तू ये समझ के ले ले और तू ये समझ के ले ले और अच्छे से रहो साथ में। तो कंगना उसमें से एक डायलॉग मारती है, इस आदमी को देखो सर अदरक की तरह फैल गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से बाहर आ रहा है। So that is not an arbitration, that is conciliation. मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों को बोलते हैं कि तुम दो बातें समझो, तुम दो बातें समझो,
उससे तुम्हारा रिलेशन आगे जाएगा, उससे ये लीगल जो भी तुम्हारा मैरिटल रिलेशन है इसको आगे हम लेकर जाएंगे, तो उस केस में कहना सिर्फ दोनों के लिए अच्छी बात है। सो देयरफॉर कंसीलिएशन इज ऑलवेज अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। कंसीलिएशन में सर अगर इवन नंबर चार कंसीलिएटर बैठेंगे तो भी चलेगा क्या? हाँ, उसमें वो भी चलेगा। अच्छा हाँ, जा सकते बाद में आर्बिट्रेशन कर सकते, उसमें चलेगा। कंसीलिएशन नहीं हो तो वहां पे जा सकते। अच्छा, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चौथा डिफरेंस। पहले मैंने तुमको बोला विन लूज सिचुएशन, ठीक है, फिर मैंने तुमको बोला नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स एंड वो साइड चलेगा ऐसा करके। तीसरा मैंने तुमको बताया कि आर्बिट्रेटर पहले से ही अपॉइंट हुआ रहता है जनरली, यहाँ पे डिस्प्यूट के बाहर होता है। जैसे रिलायंस के केस में देख लो, अनिल मुकेश में जब झगड़ा हुआ तो फिर उस केस में कोकिला बहन, उनकी मम्मी बीच में बैठी एंड दो चार लोग और बैठे, इन दोनों को सेपरेशन करके दिया। सर वो आर्बिट्रेशन था? नहीं, वो कंसीलिएशन था। उसमें दोनों पार्टीज, दोनों भाइयों का फायदा हुआ? यस। क्या दोनों विन विन सिचुएशन पे थे? यस। आज भी किसी भाई ने आके ऐसा बाहर नहीं बोला कि मम्मी ने मेरे साथ चीटिंग की, उस मुकेश को ज्यादा ध्यान दिया, ऐसा कुछ किसी ने नहीं बोला। क्वेश्चन आता सर ऑलमोस्ट इक्वल बंटवारा हुआ? यस, दैट वाज अ कंसीलिएशन। अच्छा, चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस, जब आर्बिट्रेशन का डिसीजन आता है द आउटपुट ऑफ आर्बिट्रेशन इज कॉल्ड एज आर्बिट्रल अवार्ड। जो भी आर्बिट्रेशन का फाइनलाइजेशन होगा, जो भी आउटपुट आएगा, जो भी एंड रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं। वेर एज जो भी कंसीलिएशन का आउटपुट आएगा, जो भी कंसीलिएशन का फाइनल रिजल्ट आएगा, उसको हम लोग आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं बोलते, उसको हम लोग सेटलमेंट अग्रीमेंट बोलते हैं। उसको कंसीलिएशन अग्रीमेंट या सेटलमेंट अग्रीमेंट बोलते हैं, बिकॉज दैट अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज क्लॉजेस, दैट अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज टर्म्स विच आर सेटल्ड बाय द पार्टीज इन डिस्प्यूट। जो दोनों पार्टीज डिस्प्यूट पे थे उन्होंने अग्री किया कि हाँ हम इस चीज को मानेंगे और इससे हमारे बीच का झगड़ा सेटल हो गया, तो उसमें उसको सेटलमेंट अग्रीमेंट बोलते हैं और इसको आर्बिट्रेशन अवार्ड बोलते हैं। दैट वॉज द फोर्थ डिफरेंशिएटेड पॉइंट बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन। द लास्ट पॉइंट यू हैव टू डिफाइन, आर्बिट्रेशन और कंसीलिएशन में फर्क क्या है, आर्बिट्रेशन क्या होता है एंड कंसीलिएशन क्या होता है, तुमको डिफाइन करना है। अब वैसे रिपीट होने के चांसेस कम है बिकॉज रिसेंटली पूछा है वो। समझा? डन, क्लियर हुआ? कौन सी चीजें सर आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व होती है, मतलब कौन से मैटर्स है जो आर्बिट्रेटर के पास मैं लेकर जा सकता हूँ? सो टेक्निकली सारे सिविल मैटर्स, जैसे प्रॉपर्टी का मैटर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, पर्सनल इंजुरी हुई, ये सारे मैटर्स मैं लेकर जा सकता हूँ आर्बिट्रेटर के पास। जैसे विल हुआ, विल में दो भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ, तो उसको बैठ के सॉल्व कर सकते हैं आर्बिट्रेटर के पास जाकर। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से मैटर में आर्बिट्रेटर के पास नहीं लेके जा सकता? जैसे क्राइम हुआ, एक क्राइम में तुम, मतलब फॉर एग्जांपल एक पार्टी ने दूसरे पार्टी का मर्डर किया है, तुम आर्बिट्रेटर के पास बैठ के क्या बात करोगे? जिंदा करके दो? नहीं सर, मेरा एक ही चीज चाहिए, मेरे को इसको बोलो जिंदा करके दो। वो बॉडी आर्बिट्रेटर के सामने बॉडी रखा है सर, ये रखो और ये मास्क पहनो। हाँ, आप इसको जिंदा करके दो। तो ऐसे सारे मैटर्स आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं क्या? नहीं। दूसरा, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कोई एक्सीडेंट हुआ, तो ये मैटर भी आर्बिट्रेशन के पास नहीं जाते, आर्बिट्रेटर के थ्रू सॉल्व नहीं होते। तीसरा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर जो ट्रस्ट बनाई है उसके रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हुआ, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व नहीं होते। वैसे मैंने इधर लिखा है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान दोगे, मैट्रिमोनियल मैटर्स हुए, लाइक फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ को अलग अलग होना है, तो बेटा तुमको कोर्ट जाना पड़ेगा, इधर नहीं, उसके लिए कोर्ट जाओ। हाँ, घर के अंदर बैठ के तुम बड़े लोगों को बीच में बैठा के बात करवा के खत्म कर सकते हो, लाइक होता है ना जनरली इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ दे आर नॉट एट कंसर्न, तो जो भी घर का बड़ा है खुद को एजुकेटेड ऑफिसर समझता है एंड ही इज लाइक कि मैं साले 50 साल निकाल लिए शादी में इसी के साथ एंड तुमको अभी तक 2 साल है बेटा। फिर वो बैठ के दोनों को समझाता है। क्वेश्चन आता कि सर क्या उसको मैं काइंड ऑफ कंसीलिएशन बोल सकता हूँ? हाँ, लाइक वो काइंड ऑफ कंसीलिएशन ही है, बट क्या मैं आर्बिट्रेशन के बाद डाइवोर्स के लिए जा सकता हूँ? नहीं, उसके लिए तुमको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, वो कोर्ट में जाके सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन आता है, कौन से डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में सॉल्व होंगे
एंड कौन से नहीं होंगे, मैंने वो यहाँ कवर कर दिया। ठीक है, एडहॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, वन विच इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, बराबर, उसको बोलते हैं एडहॉक आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होगा, इसमें पार्टीज हैव टू डिसाइड एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन, लाइक फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, मैनर ऑफ आर्बिट्रेशन, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, पार्टीज डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के लिए उनको रेफर करने के लिए कुछ है क्या, हाँ वो क्या है, वो ये एक्ट, समझा, वो एक्ट के हिसाब से रेफर करेंगे। उसके बाद सर कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, लाइक मतलब दो लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे और आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, क्या ऐसे ये दो लोगों के बीच में जब अग्रीमेंट बनेगा तब डिसाइड होगा, ये अग्रीमेंट बनाया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल समझो मेरे और इंस्टीट्यूशन के बीच में एक अग्रीमेंट बना, पहले तो उस अग्रीमेंट के एसेंशियल्स क्या होने चाहिए, उस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के एसेंशियल्स क्या होना चाहिए, द वेरी फर्स्ट थिंग, कैन आई से इट शुड बी इन राइटिंग, कैन आई से इट शुड कंप्राइजेस ऑफ ऑल द वैलिड एसेंशियल कंडीशंस टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, वो जो भी तुमको सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस पढ़ाई जाती है, क्या वो सारी कंडीशंस वो अग्रीमेंट क्वालिफाई करना चाहिए, यस yes. अच्छा इसके अलावा क्या डिस्प्यूट है वो लिखना चाहिए क्या, कि ये बात पे हम लोग सेम नहीं है, ये दोनों इन सारी बातों पे हम कंसेंट पे नहीं है। अच्छा उसके बाद कहना से लिखा होना चाहिए कि आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा, उसका फॉर्म लिखा होना चाहिए। अब हमेशा याद रखना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के ना दो तरीके होते हैं, एक तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में तुम क्लॉज डाल दो, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट के अंदर ही लिख दो क्या कि अगर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ फ्यूचर में तो हम लोग आर्बिट्रेशन क्लॉज पढ़ेंगे। जब अग्रीमेंट बनता है ना तो उसमें क्लॉज लिखा होता है, जैसे ड्यूरेशन क्लॉज, कितने टाइम तक मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा, जैसे कंसिडरेशन क्लॉज, तुम मुझे कितना पे करोगे। अच्छा सर्विस क्लॉज, मैं तुमको कौन सी टाइप ऑफ सर्विसेज दूंगा। उसके बाद एक क्लॉज होता है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, जिसमें कंपनी तुमको रिस्ट्रिक्शंस डालता है कि तुम ये नहीं कर सकते अगर तुम हमारे साथ काम कर रहे हो तो। वैसे ही एक क्लॉज होता है आर्बिट्रेशन क्लॉज, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि इफ इन केस वी आर एट डिस्प्यूट इन द फ्यूचर, तो इन दैट केस वी विल नॉट गो टू द कोर्ट, वी विल डायरेक्टली गो टू द आर्बिट्रेशन, विल गो फॉर आर्बिट्रेशन, वो क्लॉज में डाल दिया होता है। या फिर जिस दिन तुम्हारे साथ अग्रीमेंट बनती है कि तुम यहाँ काम करोगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाएगा, उस दिन एक फर्म के आदमी को बुलाया जाएगा, एक आर्बिट्रेशन फर्म होगा, उसका ओनर या उसका जो भी एक्टिव पार्टनर रहेगा उसको बुलाया जाएगा। तुम्हारे दो अग्रीमेंट बनेंगे, एक तुम्हारा अग्रीमेंट बनेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का, एंड दूसरा अग्रीमेंट तुम्हारा बनेगा उस फर्म के साथ। उसमें तुम अग्रीमेंट में क्या, उस फर्म के साथ अग्रीमेंट में तुम क्या साइन करोगे कि मान लो तुम्हारा और कंपनी का झगड़ा होता है तो फिर उस केस में तुम इनके पास आओगे, एंड उसके लिए तुमने एक सेपरेट अग्रीमेंट साइन कर लिया, समझा, क्लियर होगा। तो क्वेश्चन आता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए, सबसे पहला वो क्या होना चाहिए, दूसरा इट शुड कंटेन ऑल द कंडीशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा डिस्प्यूट क्या वो लिखना चाहिए, चौथा फॉर्म। अब फॉर्म कैसे होगा, या तो सेपरेट क्लॉज बनेगा अग्रीमेंट के अंदर, या फिर एक अलग से ही सेपरेट अग्रीमेंट बनाई जाएगी, समझा, क्लियर हुआ, अरे समझा क्या। अब ये जो एक्ट है ना, आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट, ये दोनों तरीके के आर्बिट्रेशन सॉल्व करता है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन भी एंड इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन मतलब दो इंडियन पार्टीज के बीच में झगड़ा हुआ, दो इंडियन कंपनीज के बीच में झगड़ा हुआ, तो उसके लिए वो आर्बिट्रेटर के पास गए। अच्छा इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है सर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मतलब जब दोनों में से एक पार्टी इंडिया का नहीं है, अगर इंडिविजुअल है तो वो नॉन सिटीजन है, अगर कंपनी है तो उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया के बाहर है, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसका एंटायर कंट्रोल इंडिया के बाहर है, और अगर गवर्नमेंट है तो वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं है। कैसे समझेगा कि सर वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, कैसे पता चलेगा, तो दोनों में से एक पार्टी अगर इंडिविजुअल है तो वो सिटीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से एक पार्टी कंपनी है तो उसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में होना चाहिए कि इंडिया के बाहर होना चाहिए, इंडिया के बाहर होना चाहिए। अगर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, AOP या BOI है, तो फिर उस केस में उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए कि इंडिया के बाहर होना चाहिए। मान लो अगर दो गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हुआ है तो उसमें से एक गवर्नमेंट इंडियन होना चाहिए, दूसरा फॉरेन होना चाहिए। तो ऐसे सारे डिस्प्यूट्स
जिसमें एक पार्टी इंडिया के बाहर है, तो उस केस में कैसा समझा जाएगा कि वो इंडिया के बाहर कौन सी पार्टी को कवर करना चाहिए? तो इधर दिया हुआ है, तुमको इंस्टीट्यूट पूछ सकता है 2 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है LMR के फॉर्म में। क्वेश्चन आता है सर डिटेल में कैसे पढ़ेंगे, तुमको एक PDF भेजा है मैंने, वो PDF काम की चीज़ है बहुत। थोड़ी देर में मैं तुमको PDF बोलूँगा कि ओपन करो, फिर हम लोग वो आगे सॉल्व करेंगे। समझ रहा है क्या? अच्छा, तो ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में कवर होता है। बट कभी कभी क्या होता है, भले कितना भी आर्बिट्रेशन वगैरह हो, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो, कभी कभी ना हमको कोर्ट का हेल्प लगता ही है। लाइक फॉर एग्जांपल समझो, आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट करना है, मान लो मुझे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है, बट कौन सा अपॉइंट करूँ, या समझो मुझे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के लिए जाना है, मुझे इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के लिए जाना है, मुझे एडॉक नहीं करना है, बट वो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन कहाँ से मिलेगा, उसकी डिटेल्स क्या है, कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कहाँ पे जाना फिजिबल होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट का हेल्प लेते हैं। आगे भी कोर्ट बार बार बीच बीच में इंटरफेयर करेगा, ठीक है, इनफैक्ट पार्टीज के बेनिफिट के लिए इंटरफेयर करेगा, बट क्वेश्चन आता है कौन सा कोर्ट। अब याद रखना, अगर डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, अगर इंडिया के पार्टीज के बीच में ही झगड़ा हुआ है, दो कंपनीज या दो कॉर्पोरेट्स के बीच में झगड़ा हुआ है, और उनको कहीं किसी तरीके से कोर्ट का मदद चाहिए, तो फिर उस केस में अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, तो उनके लिए कोर्ट विल बी हाई कोर्ट, उनके लिए कोर्ट विल बी हाई कोर्ट। बट मान लो ऐसा कोई सिचुएशन है कि वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, दैट आर्बिट्रेशन इज ऑफ सच नेचर वेयर आइदर ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्रॉम इंडिया, तो फिर उस केस में सर किसको कौन से कोर्ट को माना जाएगा कि वो कोर्ट हेल्प करेगा, तो उस केस में वो कौन सा कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट। समझ रहा है क्या? क्लियर हुआ? सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इतना क्लियर हुआ? समझा एक्ट क्यों बनाया गया वो समझा, कि एक्ट का पर्पस क्या वो समझा, कौन से डिस्प्यूट्स में एक्ट काम आएगा वो समझा। अच्छा, कैसे दो लोग भी डिसाइड करेंगे कि आर्बिट्रेशन के थ्रू जाना है, वो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट समझा, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है वो समझा, कोर्ट किसको कोर्ट बोलते हैं वो समझा इस एक्ट के हिसाब से। क्लियर हुआ? हाँ, 2 मिनट सांस लो, सुनो। रीसेंट आया हुआ अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट June 20, एंड तुम लोग को तो ऑब्वियसली एप्लीकेबल ही है। अमेंडमेंट देखो क्या है और क्या पूछा है, मैं तुमको चेंजेस नहीं बताऊंगा कि देखो पहले ऐसा था अब ऐसा हुआ, मैं सीधा अमेंडमेंट जो चेंज है वो बताऊंगा, और उस पर ध्यान से सुनना। अभी किसमें अमेंडमेंट आया, तो जो प्रोसीजर है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर में अमेंडमेंट आया। पहले क्वेश्चन आता कि सर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर आर्बिट्रेशन एक्ट के कौन से सेक्शन में, दैट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर इज कवर्ड अंडर सेक्शन 11, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सेक्शन 11 क्या है, सेक्शन 11 डील्स विद, बेस तो अपना सेक्शन 11 डील्स विद, इट इज नथिंग बट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन। अबे सेक्शन 11 क्या है, प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या बोलता है सेक्शन 11, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 पढ़ो, सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, अ पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय पार्टीज। तो मुझे एक बात बताओ, अगर पार्टीज बोलते कि नहीं आर्बिट्रेटर इंडियन होना चाहिए, तो फिर उस केस में आर्बिट्रेटर इंडियन होगा, नहीं तो सर अगर पार्टीज ऐसा कुछ अग्री नहीं करती है, तो फिर उस केस में किसी भी नेशनलिटी का चल सकता है, चल सकता है। समझा? देखो डिसाइड पार्टीज ही करेंगी, बट एक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ तरीका बता रहा है। दूसरा, सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर। जैसे क्वेश्चन आता कि सर क्या प्रोसीजर, दोनों बिल के डिसाइड करेंगे, तू तेरा लाना मैं मेरा लाऊंगा आर्बिट्रेटर, ठीक है, एंड हम दोनों जो अपना अपना लाएंगे आर्बिट्रेटर, वो डिसाइड करेगा एक और आर्बिट्रेटर, समझ रहे, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। समझा? या फिर वो दोनों मिलके ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक फर्म है जो आर्बिट्रेशन करती है पिछले 20 साल से, इफ यू वांट तो हम दोनों अपना झगड़ा लेके उसके पास जाते हैं,
तो क्वेश्चन आता है ऐसा हो सकता है, ऐसा जा सकते हैं बोलो? यस। सो टेक्निकली 11 सबसेक्शन 2 सेज पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। दूसरा 11(3) बोलता है इफ पार्टीज फेल टू मेक एनी अग्रीमेंट, अगर पार्टीज ये अग्री नहीं कर पाए, इफ पार्टीज फेल टू मेक एनी अग्रीमेंट, तो कैन आई से ईच पार्टी शैल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर। एंड उन दोनों पार्टीज ने अपना अपना अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर, वो दो आर्बिट्रेटर मिलकर क्या करेंगे, दे विल अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर हु विल बी कॉल्ड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर। समझ रहा है? तुम्हारे अमेंडमेंट जो इंस्टीट्यूट ने दिए ना, वो इतना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा है जिसको बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने लिखा है। इसमें ऐसे सब समराइज नोट बनाने के पीछे का रीजन ये था, मैं चाहता तो तुमको वहां पे वो पीडीएफ भेज देता, तुमको बोलता मोबाइल में पीडीएफ चालू करो, तुम पीडीएफ देखो, मैं पीडीएफ से बता रहा हूँ। बट कंक्लूजन ये एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू राइट दिस, एमसीक्यू बेस्ड नहीं है सब्जेक्ट, तुमको लिखना है। इसीलिए ये सब आके पहले लिख दिया मैंने, जैसे तुम वो सिंप्लीफाई कर पाओ। अच्छा सर, इसके अलावा अमेंडमेंट जो पहली चीज नहीं थी, पुराने लॉ में नहीं थी, अभी डाल दी, वो क्या है? सेक्शन 11(3)(a) वो क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट शैल हैव पावर टू डेजिग्नेट, व्हाट शैल हैव पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन विच हैव बीन ग्रेडेड बाय, ग्रेडेड बाय मतलब रिकॉग्नाइज्ड बाय हुम, बाय द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मतलब सर 11(3)(a) क्या बोलता है? 11(3)(a) बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर है, अगर जरूरत लगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पावर एक्सरसाइज कर सकता है। कौन सा पावर एक्सरसाइज कर सकता है? वो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अपॉइंट कर सकता है। कि क्यों अपॉइंट कर सकता है? तो इस एक्ट के पर्पस के लिए अपॉइंट कर सकता है। कौन सा आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन? कौन सा आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन? जिसको ग्रेडेड, जिसको ग्रेड दिया है किसने? आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने। सर ये कौन है? ये नया अथॉरिटी है, नया बॉडी है जो इस एक्ट को रेगुलेट करेगा, जिसको अभी इंट्रोड्यूस किया है। ये देखो अमेंडमेंट लाया, एक नया काउंसिल बनाया, तो इसके ऊपर डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस काउंसिल ने जिस भी इंस्टीट्यूट को ग्रेड दे के रखा है, उनमें से कोई ना कोई ग्रेडेड इंस्टीट्यूट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इधर अपॉइंट करेगा, जो इस एक्ट के पर्पस के लिए काम आएगा। मान लो अगर कोई इन आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जिसको ग्रेड रखा है, अगर वो इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है, वो नहीं है अवेलेबल, तो फिर उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजे ऑफ हाई कोर्ट मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मे मेंटेन अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन। सर ये क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मान लो किसी काम में बिजी है, तो फिर उस केस में सर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन कौन बन जाएगा? तो उस केस में हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो एक पैनल बनाएगा, और आर्बिट्रेटर्स का एक पैनल बनाएगा, और वो आर्बिट्रेटर्स का किस कौन से फंक्शंस एंड ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगा? उन्हीं फंक्शंस एंड ड्यूटीज को डिस्चार्ज करेगा जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन अपॉइंट होता और करता। समझा? तो मान लो अगर ये नहीं है तो ये करेंगे। 11 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर ये जो 3 में दिया हुआ है, अगर इसमें पार्टीज फेल हो गए मतलब दोनों पार्टीज ने अपना अपना आर्बिट्रेटर नहीं लाया, और दोनों आर्बिट्रेटर ने तीसरा नहीं अपॉइंट किया, वही हुआ ना। 11(4) बोलता है इफ पार्टीज फेल टू अपॉइंट एज पर सेक्शन 11 सबसेक्शन 3। तो व्हाट इज 11 सबसेक्शन 3? कि पार्टीज विल, इफ पार्टीज फेल टू मेक एन अग्रीमेंट, तो उस केस में एवरी पार्टी विल अपॉइंट ईच आर्बिट्रेटर, एंड देन बोथ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर्स विल अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर। बट व्हाट इफ सर, अगर ये नहीं हो पाया तो? व्हाट इफ ये नहीं हो पाया? तो अगर ये नहीं हो पाया तो फिर उस केस में क्या होगा? तो उस केस में द अपॉइंटमेंट शैल बी डन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी। अगर पार्टीज ये नहीं कर पाए तो पार्टीज एप्लीकेशन लिखेंगे, किसको एप्लीकेशन लिखेंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा क्या लिखा हुआ है? द अपॉइंटमेंट शैल बी डन ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी बाय द होम। अच्छा दैट अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय होम? तो अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय AI बोले तो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय हुम? बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, और बाय हाई इन केस ऑफ डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन। सर नहीं समझा ये पॉइंट? नहीं समझा? अरे देखो सेक्शन 11 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि 11(3) के अंदर अगर पार्टीज नहीं अपॉइंट कर पाए तो उस केस में सर
कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है क्या? है क्या? पार्टीज को अप्लाई करना पड़ेगा, किसको अप्लाई करना पड़ेगा? तो पार्टीज को अप्लाई करना पड़ेगा एआई को, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन को, जिसको किसने डेजिग्नेट करके रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने। किस केस में? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के केस में। या फिर किसने डेजिग्नेट करके रखा है? हाई कोर्ट ने। किस केस में? डोमेस्टिक कमर्शियल आर्बिट्रेशन में। इसको क्या एप्लीकेशन में लिखना पड़ेगा कि सर वी फेल टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर ऑन इंडिविजुअल बेसिस, सो देयरफॉर वी रिक्वेस्ट यू कि हमारा अपॉइंटमेंट का काम आप देख लो। सेक्शन 11 सबसेक्शन 5 बोलता है फेलिंग एन अग्रीमेंट रेफर्ड इन 11(2), मतलब अगर पार्टीज खुद का अग्रीमेंट नहीं बना पाए तो उस केस में अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय, कैसे अपॉइंटमेंट को किस तरीके से करेंगे? 11(4) के हिसाब से। मतलब कैन आई से जहां 11(2) एंड 11(3) काम नहीं आएगा तो वहां 11(4) काम आएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? मतलब पार्टीज 11(2) के बाद सीधा 4 पे जा सकते हैं एप्लीकेशन लिख के? हाँ। अच्छा, पार्टीज 11(2) के बाद 11(3) पे भी जा सकते हैं? हाँ। बट अगर 11(3) पे भी वो कंप्लाइन नहीं कर पाए, 11(3) भी वो फॉलो नहीं कर पाए, तो भी कोई और ऑप्शन है क्या? है। वो ऑप्शन क्या है? 11(4). समझा? ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? 11(5) में। 11(5) में लिखा हुआ है कि 2 नहीं हो पाया तो 4 फॉलो करो, बराबर। 4 में लिखा हुआ कि 3 नहीं हुआ है तो 4 फॉलो करो, समझ रहे क्या? 4 बोलता है 3 में नहीं कर पाए तो जो 4 में लिखा है वो पढ़ो, 5 बोलता है 2 में नहीं कर पाए तो जो 4 में लिखा हुआ है वो करो, समझ रहा है क्या? पक्का? चल नेक्स्ट। सेक्शन 11 सबसेक्शन 8 बोलता है आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अबव बिफोर अपॉइंटिंग। अब मुझे एक बात बताना, 2 मिनट मुझे सिर्फ, मुझे कैसे समझेगा कि तुमको समझा कि नहीं समझा, सिर्फ परफेक्ट आंसर करना, सिर्फ परफेक्ट आंसर करना कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के हिसाब से अगर पार्टीज अग्री नहीं कर पाए तो उनके पास पहला ऑप्शन क्या है? 3, कि दोनों खुद का आर्बिट्रेटर लाएंगे और दोनों मिलके तीसरा अपॉइंट करेंगे। मान लो वो 2 और 3 दोनों में फेल हो गए तो कोई और ऑप्शन है क्या? 4। 4 में वो किसको रिक्वेस्ट करेंगे? आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को, बराबर। तो कैन आई से आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को भी जब वो रिक्वेस्ट करेंगे तो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन भी उनको पूछेगा ना कि तुम्हारे नीड क्या है, तुमको आर्बिट्रेटर कौन सा चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसकी प्री कंडीशन क्राइटेरिया क्या है, वो तुम मुझे बता दो, सो दैट मैं तुम्हारे नीड के हिसाब से एक बंदा लेकर आऊं जो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करे। होगा कि नहीं होगा? वो 8 में लिखा हुआ है। 8 क्या बोलता है कि आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अबव, मतलब जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन ऊपर लिखा हुआ है वो क्या करेगा? अपॉइंटमेंट करने के पहले लिखा हुआ है बिफोर अपॉइंटिंग एन आर्बिट्रेटर शल सीक डिस्क्लोजर, पूछेगा किससे? पार्टी से। क्या? कि तुमको प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर के लिए क्या क्या चाहिए, राइटिंग में पूछेगा। जैसे क्या क्या चाहिए? जैसे तुम्हारे पास क्या चाहिए कि तुम्हारे आर्बिट्रेटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जैसे तुम किसको समझते हो, मतलब ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू कंसीडर दैट द आर्बिट्रेटर इज INI, INI बोलते इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल। वो इंस्टीट्यूशन पूछेगा पार्टी से कि फॉर यू व्हाट आर द ग्राउंड्स टू बी कंसीडर्ड दैट द आर्बिट्रेटर इज इम्पार्शल एंड इंडिपेंडेंट, तो उसके ग्राउंड्स बता दो। सर कब समझेगा कि आर्बिट्रेटर इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल है? कहना है सर जब उसका पार्टी से लेना देना नहीं होगा, कहना से उस पार्टीज के बीच में जिस झगड़े पर सब्जेक्ट मैटर है सब्जेक्ट से लेना देना नहीं रहेगा, तो उस केस में अगर पार्टीज बोलते कि फॉर अस इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल इज इक्वल टू दिस, सो वी वांट यू अपॉइंट दिस पर्सन, यू अपॉइंट एनी पर्सन एज आर्बिट्रेटर बट मेक श्योर दैट दैट पर्सन शुड क्वालिफाई ऑल दीज कंडीशंस, एंड इफ पर्सन हैज क्वालिफाइड ऑल दोज कंडीशन दैट पर्सन विल बी कॉल्ड अस इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल। हाँ, तो वो उसके लिए कंसेंट पे आना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो क्या करेगा, एक 2 आर्बिट्रेटर मंगाने से अच्छा वो 3 आर्बिट्रेटर रखेगा, वो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद एक कंसेंट पे आएगा कि ठीक है मैं करता हूँ कुछ तो। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 11 सबसेक्शन 9 बोलता है इन केस ऑफ ICA, वो क्या है? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, द आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाई सुप्रीम कोर्ट मे अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर ऑफ अ नेशनलिटी अदर देन द नेशनलिटीज ऑफ पार्टीज। 2 मिनट सोचो, एक इंडियन पार्टी, एक US का पार्टी है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया इंडियन, पहले ही बायस साउंड हो रहा है, समझ रहा है? समझो एक पार्टी US का, एक इंडिया है, और आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया US का, सीधा बायस साउंड हो रहा है।
तो सर फिर 11(9) क्या बोलता है? 11(9) बोलता है कि अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो उस केस में जो आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट करके रखा है कि अगर ये खुद नहीं कर पाए तो तुम देख लेना अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को, तो वो इंस्टीट्यूशन आर्बिट्रेशन क्या करेगा, वो ऐसा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा जिसका नेशनलिटी पार्टीज के नेशनलिटी के जैसा नहीं हो, समझ रहा है क्या? और अगर हुआ तो वो वहीं बाय साउंड करेगा, समझ रहा है? अरे समझा क्या वो? चलो 11(11) बोलता है, व्हेन मोर देन वन रिक्वेस्ट हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 4, 5 एंड 6, 6(5) के जैसा ही है, तो फिर उस केस में जिसको भी एप्लीकेशन पहला लिखा गया था उसका एप्लीकेशन वैलिड माना जाएगा ना, उसका एप्लीकेशन प्रॉपर माना जाएगा, मतलब उसके एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाएगा। सर नहीं समझा, मान लो शेट्टी और मेरे बीच में झगड़ा हुआ है, तो पहले शेट्टी और मैं डिसाइड किया कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। अगर हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे तो कहने से आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर हम दोनों डिसाइड करेंगे, तो उस पर पहले हम फॉलो करेंगे सेक्शन 2 अग्रीमेंट। मान लो अग्रीमेंट नहीं कर पाए तो हम 3 क्या बोलता है, दोनों अपना अपना आर्बिट्रेटर लाएंगे और दोनों आर्बिटर मिलके 3rd में अपॉइंट करेंगे। अब चलो 3 भी नहीं हो पाया तो 4 क्या, शेट्टी मैं एप्लीकेशन डालूंगा किसको, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को, मैं भी डालूंगा शेट्टी भी डालेगा, दोनों एप्लीकेशन लिखेंगे, तो कहने से ऐसा हो सकता है कि दोनों का एप्लीकेशन गया हो एक ही साथ, एक ही आर्बिट्रेशन के पास, एक ही इंस्टीट्यूशन के पास, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उस केस में सर किसका एप्लीकेशन कंसिडर किया जाएगा, तो 11(11) क्या बोलता है, जिसका एप्लीकेशन पहले आया, समझा? राइट, चलो 11(13) क्या बोलता है, सेक्शन 11 सबसेक्शन 13 क्या बोलता है, देखो अमेंडमेंट है, तुमको जून 20 वालों को शायद ना भी पूछे, रीजन बिहाइंड कि अमेंडमेंट तो सालों ने पढ़ ही लिया होगा, तो तुमको आने के चांसेस ज्यादा है डिसम्बर 20 को। जून 20 में आया तो एक होप है कि हाँ ठीक है, रिपीट नहीं होगा इतना जल्दी, बट एक अमेंडमेंट थोड़ी है, मान लो उनको एक अमेंडमेंट पूछ लिया, कितने सारे और अमेंडमेंट्स हो उसमें से तुमको कोई पूछ लिया? अमेंडमेंट्स को कभी भी सीरियसली लेने का, सालो पूरी रात बैठ के मैंने ये प्रिपेयर किया है, बढ़िया है साले, सो रहे इधर। 11(13) क्या बोलता है, 11(13) बोलता है अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन विद इन 30 डेज। अच्छा ये क्या है सर, इसका मतलब क्या है? मैंने क्या बोला तुमको कि एक एप्लीकेशन मैं भी लिखूंगा आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को, एक एप्लीकेशन शेट्टी लिखेगा, बराबर। अब दोनों ने एप्लीकेशन लिखी, 11(11) क्या बोलता है, जिसका एप्लीकेशन पहले आया वो फाइनल, उसके कॉम्पिटेंट माना जाएगा। अब उस केस में मुझे एक बात बताओ, दोनों ने एप्लीकेशन लिखी बट उस एप्लीकेशन को खत्म भी तो करना पड़ेगा, तो वो खत्म कितने दिन में होगा, वो इंस्टीट्यूशन कितने दिन में आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे देगा, कितने दिन में, कितने दिन में, 30 डेज में। वो कहां लिखा हुआ है, 11(13) में, यहां पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन, विच वॉज मेड इन 11(4), अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन शैल बी डिस्पोज बाय आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस सेंड टू ऑपोजिट पार्टी। अब ये क्या है, 30 डेज कहां से? अब मैंने समझो इंस्टीट्यूशन को एक रिक्वेस्ट किया कि सर वी बोथ पार्टीज फेल टू अपॉइंट, वी फेल टू डिसाइड द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, सो देयरफॉर वी रिक्वेस्ट यू दैट यू लुक आफ्टर द एंटायर प्रोसीजर। और मैंने ये साथ साथ शेट्टी को भी बता दिया। अब मुझे सिर्फ बताना कि 30 डेज कहां से स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनना। मैंने आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को जो एप्लीकेशन लिखा वो 13 जनवरी को लिखा, बराबर। मैंने शेट्टी को इंटीमेट किया 17 जनवरी को कि मैंने एक इंस्टीट्यूशन को बोल दिया वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके देगा, तो वो 30 डेज कहां से काउंट करेगा, 13 जनवरी से कि 17 जनवरी से? 17 जनवरी से। द 30 डेज पीरियड विल स्टार्ट व्हेन आई इन्फॉर्म टू द अदर पार्टी दैट एप्लीकेशन हैज बीन सेंट टू द आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन फॉर व्हाट, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन, समझा? 11(14) बोलता है आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन शैल डिटरमाइन द फीस, वो सब टाइम पास है। 11(14) बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन ने तुम्हारा काम किया ना, तुम्हारे लिए आर्बिट्रेटर लाया ना, तो साला पैसा मांगेगा ना, तो उसका फीस एंड उसका पेमेंट करने का तरीका वो कौन बताएगा, आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन बताएगा, समझा? क्लियर हुआ? 1, 2, 3, 3 है, 4, 5, 8, 11, 9, 11, 13, 14,
क्लियर हुआ कि बहुत सारे चेंजेस आए थे इसमें। सर एक मिनट सांस लो। अब सुनो आगे, पहले मुझे एक बात बोलो। हेलो इधर, सेक्शन 11 समझा, अमेंडमेंट वाला समझा? ओके, उसके बाद इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, कौन से डिस्प्यूट्स, एडीआर किसको बोलते हैं? एडीआर स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद एडॉक आर्बिट्रेशन क्या होता है वो समझा, क्या इस पर डिटेल शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं तुम्हारे उस पीडीएफ में, ठीक है, डिटेल शॉर्ट नोट्स दिए हुए, इन सब पे डिटेल शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पीडीएफ में दिए हुए हैं। आई वुड सजेस्ट यू ऑल फ्री टाइम में या तो पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लो, दैट वुड बी मोर बेटर फॉर यू, या फिर लिख लो के वॉट एवर यू फील कन्वीनियंट वो कर लेना। फिर अच्छा अब सुनो, अब समझो मुझे एक बात बोलो, 11 समझा क्या? अब देखो 12 क्या है, इधर ध्यान दो। सेक्शन 12 बोलता है कि कौन से ग्राउंड्स है जिन ग्राउंड्स पे मैं आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकता हूं, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को या आर्बिट्रेटर के अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता हूं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर्बिट्रेटर्स अथॉरिटी कैन बी चैलेंज्ड, इधर सुनो मेरी बात को, समझो अच्छे से, किन ग्राउंड्स में मैं आर्बिट्रेटर को चैलेंज कर सकता हूं। पहला कहना सर आर्बिट्रेटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल। मान लो अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ या वो पार्शल हुआ तो उस केस में क्या हम उस आर्बिट्रेटर को निकाल सकते हैं सर? हाँ। दूसरा कहना सर आर्बिट्रेटर का ये काम बनता है वो राइटिंग में डिस्क्लोज करके देखी उसका कोई भी डी और आई डी का मतलब दैट पर्सन हैज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन पास्ट और इन प्रेजेंट कोई भी रिलेशनशिप पार्टी का या सब्जेक्ट मैटर जिस पे झगड़ा चल रहा है उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहना सही आर्बिट्रेटर लिख के देना चाहिए दैट ही शुड डिस्क्लोज दैट ही शुड नॉट हैव एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आइदर इन पास्ट और इन प्रेजेंट एनी रिलेशनशिप विद द पार्टी और एनी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। मान लो मैं आर्बिट्रेटर हूं तो कहना से मेरा काम बनता है ये दोनों पार्टीज को बताना, एक मैं तुम में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानता, हम पहली बार मिलेंगे कब, जब हम साथ में बैठेंगे। दूसरा जिस टॉपिक पे तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, मान लो एक ट्रेड यूनियन है और एक एम्प्लॉयर है, क्या सर लेबर डिस्प्यूट जाते हैं आर्बिट्रेशन के पास? यस। तो एक ट्रेड यूनियन है एक एम्प्लॉयर है तो उस केस में सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जिस मुद्दे पे जिस सब्जेक्ट मैटर पे तुम्हारा झगड़ा चल रहा है उस सब्जेक्ट मैटर पे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है? दूसरा इस केस में मैं कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हूँ एंड मैं इस केस को इम्पार्शली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, बराबर। अच्छा इन सब के अलावा इतना ही नहीं, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी तो उस केस में आर्बिट्रेटर का काम ये भी बनता है डिस्क्लोज करना पार्टीज को कि शायद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए या शायद उसके पास जो क्वालिफिकेशन चाहिए कि पार्टीज के पास होना चाहिए वो क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं है। सर क्या आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है? हाँ। क्या दोनों में से कोई भी पार्टी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज कर सकती है? ये स्किन ग्राउंड्स पे, एक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दूसरा उसके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए जिस क्वालिफिकेशन को वो पजेस करना चाहिए पार्टीज के हिसाब से उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इन ग्राउंड से पार्टीज चैलेंज कर सकता है आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को। सेक्शन 13, 14, 15 ये तीन सेक्शन कंप्लीटली सिमिलर है जो तुमको पीडीएफ में मैंने दिए हुए हैं, वो पीडीएफ पे तुम रीड कर सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेक्शन है, एक बार सिर्फ साइलेंटली रीड करना। क्वेश्चन आया था मैं तुमको इंट्रोडक्टरी फॉर्म में समराइज फॉर्म में बता रहा हूँ कि तीनों सेक्शन है क्या। सेक्शन 13 तुमको प्रोसीजर बताता है, किस चीज का प्रोसीजर बताता है कि तुम आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को किससे चैलेंज कर सकते हो। सेक्शन 14 बोलता है कि मान लो आर्बिट्रेटर अपॉइंट होने के बाद आर्बिट्रेटर जैसा काम नहीं कर पा रहा, लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्बिट्रेटर cannot act as a arbitrator. Now the circumstances are of such nature that the appointment of arbitrator is done. But the problem is that person who is appointed as an arbitrator, he cannot act as an arbitrator. Reason being because वो impossible हो गया। जैसे पता चल गया क्या कि arbitrator का parties के साथ interest है, पता चल गया कि arbitrator का party के साथ past में relation था,
जिसे पता चल गया कि पार्टीज का सब्जेक्ट मैटर में जो भी सब्जेक्ट मैटर है जिस पे झगड़ा चल रहा है उसका आर्बिट्रेटर का उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्ट है, कैन आई से नाउ ही कैन नॉट बी ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड और ही कैन नॉट बी कंटिन्यूड फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग्स। उसको बोल बोल सकता हूँ ना, वापस कंटिन्यू नहीं कर सकते। मान लो वो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयर के बीच में झगड़ा था, पता चला कि पास्ट में उस ट्रेड यूनियन में मैं भी कभी मेंबर हुआ करता था, कैन आई से मेरी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जाएगा? कैन आई से नाउ दिस इज दैट सिचुएशन वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर फॉर मी? तो फिर उस केस में सर क्या करेंगे? उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस केस में नया आर्बिट्रेटर लाएंगे। तो जो सर नया आएगा को वो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा कि जहां खत्म होता वहीं से कंटिन्यू करेगा, जहां खत्म होता वहीं से कंटिन्यू करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करने का नीड नहीं है। प्रोसीडिंग्स को, पीछे की प्रोसीडिंग्स को सुनेगा एंड सुनने के बाद जहां रुका था वहीं से चालू होगा वो। समझा? कौन? जो नया आया, जो दूसरे के सब्स्टिट्यूट पे आया। समझा? जो 13, 14, 15 रीड कर लेना। 17 अमेंडमेंट आया है, अमेंडमेंट जून 20 को भी आ सकता है, तुम लोग को भी आ सकता है। 17 क्या है? 17 बोलता है इंटरिम मेजर्स ऑर्डर्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। इंटरिम मेजर्स क्या होता है? इंटरिम मतलब टेम्पररी, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, फॉर अ शॉर्टर पीरियड। सो है क्या वो? सेक्शन 17 बोलता है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है मतलब एक से ज्यादा अगर आर्बिट्रेटर है तो फिर उस केस में वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शॉर्टर पीरियड के लिए, फॉर टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ इंटरिम ऑर्डर पास कर सकता है पार्टीज के बेनिफिट के लिए। जिसे वो क्या ऑर्डर पास कर सकता है? मान लो अगर दोनों पार्टीज में से एक पार्टी माइनर है तो उस केस में उसके जगह पे कोई मेजर आएगा, जो जब तक वो माइनर मेजर नहीं होता तब तक वो मेजर उस केस को रिप्रेजेंट करेगा। कहना है इसका ऑर्डर पास करना पड़ेगा, कहना है वो ऑर्डर टेम्पररी पीरियड के लिए करना। वैन ऐसे टेम्पररी मतलब जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, ऐसा तो है ही नहीं कि वो लाइफ टाइम मेजर होगा ही नहीं। कि आज फाइनली संस्कृति मेजर हुई ना वो आज से 8 दिन पहले, 15 दिन पहले, और व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट लेक्चर उस दिन वो माइनर थी, बट फाइनली द डे हैज अराइव्ड एंड वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हर। लाइक कैसा लग रहा है मेजर होके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा क्या कर दिया आपने जो अच्छा लग रहा है मेजर होने के बाद? क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर अगर वो अनसाउंड माइंड है अगर वो अनसाउंड माइंड है तो उसके बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने का ऑर्डर पास करना पड़ेगा? मुझे एक बात बताओ, अगर कॉम्पेंसेशन पे लफड़ा है, इफ द डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू कॉम्पेंसेशन, कैन आई से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड पास कर सकता है कुछ पीरियड के लिए कि जब तक झगड़ा सॉल्व नहीं होता तब तक वो कॉम्पेंसेशन जमा करो? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों सर? क्योंकि समझो दोनों में से किसी पे डाउट है कि सर मान लो आपके बोलने के बाद भी उसने नहीं दिया तो एक काम करो पहले से जमा करवा लो। तो क्वेश्चन आते कौन से इंटरिम ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं? तो पहला दिया हुआ है सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट अ पार्टी मे ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अप्लाई टू एटी बोले तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर व्हाट? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गार्डियन इन केस ऑफ माइनर, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। दोनों के केस में, माइनर के केस में भी अनसाउंड माइंड के केस में भी हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स के टाइम पर किसको? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को। किस चीज के लिए? अपॉइंटमेंट के लिए। किसके? गार्डियन के। दूसरा, और बाकी के कौन से इंटरिम मेजर्स? जैसे कैन आई से प्रिजर्वेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर पे झगड़ा चल रहा है कैन आई से उस सब्जेक्ट मैटर को प्रिजर्व करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? कैन आई से जिस अमाउंट पे झगड़ा चल रहा है उस अमाउंट को सिक्योर करवा सकता हूँ? कैन आई से जिस प्रॉपर्टी पे झगड़ा चल रहा है उसका इंस्पेक्शन करवा सकता हूँ? कोई किसी भी और तरीके का इंटरिम इंजंक्शन, इंटरिम मतलब टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर पास करवा सकते हो? याद है हम लोग ने सीपीसी में किया था कि अगर प्लेंटिफ एंटीसिपेट्स दैट डिफेंडेंट इज गोइंग टू कॉज एनी हार्म टू द प्रॉपर्टी तो उस केस में कैन आई से प्लेंटिफ रिक्वेस्ट टू द कोर्ट दैट सर प्लीज पास एनी टेम्पररी इंजंक्शन टिल द टाइम दिस केस इज नॉट डिसॉल्वड? अरे यस सर, नो, तो वो ऐसा ऑर्डर पास करवा सकता हूँ या फिर ऐसा कोई भी चीज जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ठीक लगे वो पास कर सकता है। इसके आने के चांसेस ज्यादा है। समझा? नेक्स्ट आता है सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22। एक काम करो,
फटाफट वो ग्रुप में जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ और पीडीएफ निकालो। तुमको जो पीडीएफ दिया है उस पीडीएफ में सेम पीडीएफ तुम लोगों को भी मिलेगा। उस पीडीएफ के अंदर पेज नंबर 16 सेक्शन 18 जो अनअमेंडेड है उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो सेम है। सेक्शन 18 का टाइटल क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। कहने से काफी सिंपल तरीके से लिखा कि दोनों पार्टीज को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भी इम्पार्शलिटी, किसी के साथ भी पार्शलिटी नहीं होगी, किसी को भी पहल फेवरेटिज्म या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बराबर। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। अच्छा 19 पे आओ, डिटर्मिनेशन ऑफ रूल एंड प्रोसीजर्स। सेक्शन 19 बोलता है कैन से पार्टीज विल डिटरमाइन द रूल्स एंड प्रोसीजर इन विच दैट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग विल बी कंडक्टेड। अरे हाँ ना, वो सब एक एक पैराग्राफ फॉर्म में वो रीड करते जाना। सेक्शन 20 बोलता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, कहने से पार्टीज विल डिसाइड कि आर्बिट्रेशन कहाँ होगा। हो सकता है दोनों पार्टीज में से किसी पार्टी के ऑफिस में हो सकता है आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के ऑफिस में ही हो। मान लो मेरा मैं आर्बिट्रेशन करवाता हूँ, मेरा खुद का फर्म है, तो उस केस में हो सकता है मेरे फर्म में ही हो सकता है हम लोग कोई कोई हॉल बुक कर ले या कोई ऐसा वेन्यू बुक कर ले जहां पर दोनों पार्टी साइलेंटली बैठ के झगड़े को सॉल्व करें, समझा। अच्छा उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ अ प्रोसीडिंग, कब समझा जाएगा कि प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा? जब हम लोग उस आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर को बता देंगे कि सर यू आर अपॉइंटेड और योर फर्म इज अपॉइंटेड टू सॉल्व आर डिस्प्यूट। सो उस केस में जब दोनों पार्टीज बता देंगे कि आप हमारा झगड़ा सॉल्व करोगे, तो उस दिन से वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होगा। नेक्स्ट बोलता है कि कौन सी लैंग्वेज में डिस्कस होगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल दोनों पार्टीज इंडियन है, तो कैन आई से हिंदी इंग्लिश विल बी द कन्वीनियंट लैंग्वेज टू सॉल्व द डिस्प्यूट, बराबर। उसके बाद 23 पे आता है, इधर देखो, हेलो हो गया या सेक्शन 23 क्या है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंसेस। सर ये क्या है, मुझे एक बात बताओ, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जैसे ही चालू होगा तो दोनों पार्टीज अपना रोना धोना स्टार्ट करेंगे ना, है तो झगड़े पे, तो उसमें से पहले प्लेंटिफ अपना क्लेम बताएगा कि सर मुझे क्या चाहिए। कहने से प्लेंटिफ अपना क्लेम्स के साथ साथ पॉइंट एट इशू भी बताएगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट एट इशू? इट मैटर्स इन इशू। कहने से पॉइंट एट इशू इज नथिंग बट कॉज ऑफ डिस्प्यूट। कहने से इट इज नथिंग बट कॉज ऑफ एक्शन, लाइक व्हाट एवर द कॉज इज दैट यू डिसाइडेड टू टेक दिस एक्शन, तो वो कॉज ऑफ एक्शन बताएगा। वो प्लस ये भी बताएगा कि उसके क्या क्लेम्स थे। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लेंटिफ को तीसरी चीज बतानी कि उसको क्या चाहिए, उसका रिलीफ क्या है। कहने से ये प्लेंट हम लोग ने पढ़ा था, प्लेंटिफ विल फाइल प्लेंट, मतलब सिविल सूट विच कंप्राइजेस ऑफ प्लेंट, विच कंप्राइज ऑफ थ्री थिंग्स, कॉज ऑफ एक्शन, डिफेंडेंट का डिटेल्स एंड वॉट रिलीफ यू वॉन्ट। तो वो सेम इधर भी चलेगा, बराबर। उसके बाद डिफेंडेंट को नोटिस जाएगा, डिफेंडेंट फिर क्या फाइल करेगा, अपना रिटर्न स्टेटमेंट। तो फिर उस केस में रिस्पॉन्डेंट शेल स्टेट इज डिफेंस। कहने से डिफेंस इज नथिंग बट रिटर्न स्टेटमेंट। हाँ वो सिर्फ हम लोग सिविल कोर्ट में करते हैं, तो वो सेम प्रोसीजर ये लोग भी फॉलो करेंगे। अच्छा प्लस सर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या पार्टीज को जो भी लगता है कि वो इस केस में रेलेवेंट है, क्या वो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए? हाँ 23(2)(a) बोलता है अगर रिस्पॉन्डेंट को लगता है कि उसको सेट ऑफ या काउंटर क्लेम के लिए अप्लाई करना है, तो वो साथ साथ सेट ऑफ काउंटर क्लेम के लिए भी अप्लाई कर सकता है। सीपीसी में मैंने एक टॉपिक बताया था कि आगे डिस्कस होगा करके, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम करके। इस पार्ट इज दिसंबर 19 का पेपर देखोगे तो उसमें सेट ऑफ काउंटर क्लेम आया था। क्वेश्चन आता है सेट ऑफ काउंटर क्लेम होता क्या है। सेट ऑफ का मतलब होता है जब डिफेंडेंट कोर्ट को बोलता है कि सर प्लेंटिफ के क्लेम के सामने मेरा भी क्लेम है, वो भी सॉल्व होना चाहिए, तो वो सॉल्व करके दो। मान लो प्लेंटिफ बोलता है कि डिफेंडेंट को मुझे 5 लाख देने हैं, तो उस केस में डिफेंडेंट बोलता है कि सर 5 लाख देने हैं बट ये मत भूलो 3.5 लाख लेने भी हैं। तो कहना है अगर डिफेंडेंट चाहता है कि उसका क्लेम प्लेंटिफ के क्लेम के सामने एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए डिफेंडेंट को अप्लाई करना पड़ेगा, उसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वो प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद करेगा कि पहले ही? तो कहने से वो अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ ही अटैच कर देगा कि सर इवन आई हैव अ क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स क्लेम। अरे यस और नो? तो फिर उस केस में डिफेंडेंट हैज टू सबमिट हिज सेट ऑफ क्लेम और काउंटर क्लेम
इफ प्लेंटिफ ने अपना फाइल कर दिया है तो देखो दिया हुआ है 23(2)(a) प्रोवाइड्स दैट द रिस्पोंडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम मे ऑल्सो सबमिट काउंटर क्लेम और सेट ऑफ क्लेम्स इफ एनी, अगर है तो. समझा? 23(3) बोलता है स्टेट्स दैट आइदर पार्टी में अमेंड. हाँ, अब देखो मजे की बात क्या है, मान लो दोनों पार्टीज ने अपना क्लेम और डिफेंस दे दिया, पता चला फ्यूचर में ऐसा लगा कि सर ये भी चीज क्लेम करनी है, तो क्या बाद में जाके मैं मेरे प्लेंट को या डिफेंडेंट अपने रिटर्न स्टेटमेंट को या दूसरा पार्टी अपने डिफेंस को सर अमेंड या ऑल्टर कर सकता है अगर दोनों पार्टी चाहे तो? यस. 23 वही बोलता है, 23(3) बोलता है स्टेट्स दैट आइदर पार्टी मे अमेंड और सप्लीमेंट हिज क्लेम और डिफेंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स. सेक्शन 23(4) बोलता है states that the statement of claims and defenses under section 23 shall be completed within a period of 6 months. Can I say dono parties rona dhona karna aur fir rone dhone mein koi addition karna ya usme kuch supplement aur add karna, ye sab kuch natak kitna time mein ho jana chahiye? 6 months mein ho jana chahiye. Samjha? Ye pura kaam 6 months ke andar ho jana chahiye. Acha, uske baad fir baat ko aage badhayenge hum log. Fir section 26(4) aata hai. 23 के बाद ये अमेंडमेंट, फिर ये अमेंडमेंट, फिर ये अमेंडमेंट, ठीक है? ये सब उसमें से मत पढ़ना पीडीएफ में से, ये सब इधर से पढ़ना. समझ रहे हैं क्या? ये चीज उधर भी है बट अमेंडमेंट नहीं है, वो 2019 का अमेंडमेंट है ये सब. समझा? तो जब तुम जेरोक्स करवाओगे या प्रिंट आउट लोगे तो फिर ये वाला पार्ट उधर से कट कर देना बिकॉज ये तुमने लिख लिया है. समझा क्या? अच्छा, 24, 25, 26, 27, 28 एंड 29 ये तुम उसमें से रीड कर लेना. आ जाओ 24 पे, आओ लो लो लो, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी करो थोड़ा यार. आ गया? चलो बढ़िया. 24 हियरिंग रीड करो, हियरिंग रीड करो. समझा? क्लियर हुआ? पार्टीज अपने हिसाब से अपने क्लेम्स डिफेंस, कोर्ट दोनों पार्टीज को अपने हिसाब से सुनेगा. हो सकता है पार्टीज अपने क्लेम्स ओरली भी सबमिट करे, एविडेंसेस ओरली भी दे, विटनेसेस मंगवाए, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा 24 के हिसाब से. 25 क्या है? 25 में इंटरेस्ट है. 25 बोलो क्या है? क्या इट शल नॉट ग्रांट एनी? अरे वही तो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी नहीं आया तो फिर उस केस में केस एडजर्न नहीं होगा अनलेस नहीं आने के पीछे का रीजन सफिशिएंट था. नहीं रहेगा तो फिर एक्स पार्टी डिक्री, वो नीचे वही दिया हुआ है, 25 पड़ेगा वही है. वो उसमें लिखा हुआ है कि अगर डिफेंडेंट ही नहीं आया तो ये माना जाएगा कि उसने डिफॉल्ट किया है. वही है ना कि अगर एक पार्टी नहीं आया 25 में तो ये समझा जाएगा कि उसने डिफॉल्ट किया है एंड केस आगे चल जाएगा. बराबर? चलो 26 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट नीड पड़ा तो एक्सपर्ट एडवाइस ले लेंगे, कोई मैटर एक्सपर्ट जीएसटी का लफड़ा है तो वो समझो, वो टैक्सेशन इश्यूज वैसे जाते नहीं है आर्बिट्रेशन के पास, या ऐसा कोई भी इशू जिसमें एक्सपर्ट नीड चाहिए तो वो ले सकते हैं. पार्टीज डिसाइड करेंगे कि एक्सपर्ट कौन होगा. उसके बाद 27 बोलता है जरूरत पड़ी तो कोर्ट का असिस्टेंस भी लेंगे. अरे सर तो कोर्ट बोले तो, कोर्ट बोले तो, इन केस ऑफ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बेस्ट. 28 आओ, रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस. सब्सटेंस बोले तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, उसके रिलेटेड जो भी रूल्स है वो 28 में दिए हुए हैं. क्या बोलते हैं सेक्शन 28?
एक फोन दिखा है कोई भी दोनों में से, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। सेक्शन 28 बोलता है रूल्स एप्लीकेबल टू सब्सटेंस ऑफ डिस्प्यूट। सेक्शन 20 प्रोवाइड्स दैट व्हेन द प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन सिचुएटेड इन इंडिया, तो इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल डिसाइड द डिस्प्यूट सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन एज पर द सब्सटेंस सब्सटेंटिव लॉ प्रिवेलिंग एट द टाइम इन इंडिया। पकड़ो, समझा मैं, सुनो। मान लो दोनों पार्टीज इंडियन है तो कहने से वो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, तो उसमें हम लोग क्या फॉलो करेंगे? आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट। मतलब दोनों पार्टीज में अगर एक पार्टी इंडिया का नहीं है तो कहने से हमको वो लॉ भी फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी यूएस है। वैसे एक चीज याद रखना, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट इज एन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, इंडिया ने नहीं बनाया ये। इंडिया ने इनफैक्ट यूनिसेट्रल करके एक कमिटी है, तो वो कमिटीज के थ्रू हम लोग को ये लॉ मिला। याद है हम लोग ने सोर्सेज ऑफ लॉ किया था, तो उसमें से सोर्सेज ऑफ लॉ में एक ऐसा भी था कि हम लोग ने कुछ इंग्लिश लॉज भी लिए, तो दिस इज वन ऑफ द इंग्लिश लॉ जो इंडिया ने लिया है, रादर रेफर किया है। क्या ये कॉन्सेप्ट? हाँ, अभी दो अगर इंटर, तो जनरली इंडियन लॉज एंड यूएस फॉर एग्जांपल अदर कंट्रीज लॉज फॉर दिस मैटर आर्बिट्रेशन मैटर टू सर्टन एक्सटेंट सेम ही होते, तो फिर उस केस में द आर्बिट्रेटर विल डिसाइड कि कौन सा प्रिवेल करेगा उस मैटर के अंदर, इफ अगर कोई डाइवर्जेंट इफेक्ट आया तो। समझा? अब सर ये क्या था? दूसरा साइड नहीं समझा। दूसरा साइड ये बोलता है कि अगर दोनों आर्बिट्रेटर में पार्टीज में से एक पार्टी इंडियन नहीं है तो फिर उस केस में सर क्या करेंगे? उस केस में उस कंट्री का भी लॉ प्रिवेल किया जाएगा, उसको भी फॉलो किया जाएगा। समझा? डन। अच्छा उसके बाद आता है 29 बोलो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। मान लो 7 लोगों का आर्बिट्रेटर बैठा है, तो फिर उस केस में जिसका भी मेजॉरिटी डिसीजन आया, 7 के केस में 4, 5 के केस में 3, 3 के केस में 2। समझा? क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 29 ए पे। चलो फटाफट बुक में हेडिंग डालो, टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। ओए हेलो, बुक में लिखो ये। सर तुमने क्या किया, लाइन से लिख दिया? सब ऐसा लाइन से लिखा, पहुंचे ही नहीं है। हाँ, तो अब एक काम करो, जो नहीं पहुंचे हैं उसके हिसाब से जगह छोड़ दो। ठीक है, कहां तक समझो, फॉर एग्जांपल तुम यहां तक पहुंचे हो तो इतना जगह छोड़ दो। तुम लोग अगर फॉर एग्जांपल समझो इधर हो तो सालो वहीं से लिखो सीधा। समझा? कोई जगह वगह मत छोड़ो। हाँ, तुम में से कोई यहां हो तो उसके हिसाब से एक पेज छोड़ दो। इधर है तू, नील कहां पे? इधर, तो घर जा बेटा। यहां पे, तो उसके बाद ये एक पेज, ये दूसरा पेज, थर्ड पेज पे हेडिंग डाल। ठीक है, चलो बोलो। हेडिंग ये 29A, सेक्शन 29A, टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, फर्स्ट पॉइंट हो गया। जान दे, चलता, चलो। सेक्शन 29A, टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, बाजू में ब्रैकेट में लिखना अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है। चलो फर्स्ट पॉइंट, सेक्शन 29A सबसेक्शन 1, सेक्शन 29A सबसेक्शन 1 provides that the award ये award बोले तो arbitration का decision है, provides that the award in case of domestic arbitration, in case of domestic arbitration
शैल बी मेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल बी मेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मेड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months within a period of 12 months underline karna within a period of 12 months within a period of 12 months from the date of completion of pleadings 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 under section PLEADINGS under section 23 subsection 4 इधर मतलब वो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि अवार्ड कितने टाइम में आना चाहिए, 12 महीने में, इन 12 मंथ्स अवार्ड आ जाना चाहिए. क्वेश्चन इज 12 मंथ्स फ्रॉम विच डेट, 12 मंथ्स फ्रॉम 23 सबसेक्शन 4 वाला डेट. 23 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि जब प्लीडिंग खत्म होगा तो प्लीडिंग खत्म होने के 12 महीने के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड आ जाना चाहिए. बट क्वेश्चन आता है प्लीडिंग कब खत्म होगा, जब दोनों पार्टीज अपनी क्लेम्स डिफेंसेस भेजेंगे, फिर उसको ऑल अमेंड वमेंड करवाएंगे, बट ये पूरा प्रोसेस कितना टाइम लेगा, 6 महीने का. तो पहला 6 महीने के अंदर प्लीडिंग खत्म होना चाहिए, फिर प्लीडिंग खत्म होने के बाद जब हियरिंग शुरू होगा तो हियरिंग शुरू होने के बाद प्लीडिंग के 12 महीने अंदर, मतलब हियरिंग शुरू होने के बाद प्लीडिंग जब खत्म हुआ वहां से 12 महीने के अंदर क्या होना चाहिए अवार्ड आ जाना चाहिए, मतलब दोनों के डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो जाना चाहिए. बराबर, चलो नेक्स्ट लिखो. सेकंड पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन the dispute should be disposed of within a period of 12 months from the date of completion of pleadings under section 23 subsection 4. ऐसा दोनों में डिफरेंस क्या है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो या इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो, दोनों के केस में अवार्ड कितना टाइम में आ जाएगा, 12 मंथ्स में. तो कोई डिफरेंस है क्या सर, नहीं, बेवजह प्रोवाइडेड डाला है वो. चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, सेक्शन 29A सबसेक्शन 2 states that if the award is made within a period of six months comma the arbitral tribunal
shall be entitled to receive such amount of additional fees shall be entitled to receive such amount of additional fees as parties may agree parties may agree. Then next point, section 29A subsection 3 says that the parties may by consent parties may by consent extend 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 the period parties may by consent extend the period specified in subsection 1 specified in subsection 1 in subsection 1 for making award for a further period not exceeding 6 months Okay. Next point, section 29A subsection 4 section 29A subsection 4 states that if the award is not made within the period specified in subsection 1 or subsection 3 the mandate matlab bracket mein likhna office bracket close office of the arbitrators shall terminate unless court provides extension period. Done? लिखा मुझे एक बात बोलो पहले दो पॉइंट समझा पहला पॉइंट बोलता है कि अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन होगा तो उसका अवार्ड कितना टाइम में आना चाहिए 12 मंथ्स में प्लीडिंग्स खत्म होने के 12 मंथ्स के अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कमर्शियल आर्बिट्रेशन हुआ तो भी 12 मंथ्स में प्लीडिंग खत्म होने के थर्ड पॉइंट रीड करो 29A सबसेक्शन 2 देखो 29A subsection 2 देखो रीड करो तो फिर उस केस में कहना से उसका हक बनता है फीस ज्यादा मिलना चाहिए कितना एडिशनल फीस रहेगा कौन डिसाइड करेगा पार्टीज डिसाइड करेगा 29A subsection 2 बोलता है इफ 6 महीने के अंदर ही वैसे तो लॉ 12 महीने की बात करता है सर व्हाट इफ अगर 6 महीने के अंदर ही हो गया तो उस केस में लॉ क्या बोलता है कि पार्टीज को एडिशनल फीस देना चाहिए आर्बिट्रेटर को बट कितना रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा पार्टीज डिसाइड करेगा क्यों क्योंकि ये एडॉक है लॉ तुमको मैनर बताएगा बाकी सब डिसीजन तुम लोगे उसके बाद नीचे क्या है नीचे 29(3) क्या बोलता है 29(3) क्या बोलता है 3 क्या बोलता है 29(3) मान लो अगर
ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रहा है कि 12 महीने में नहीं आएगा डिसीजन, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट को कि सर थोड़ा एक्सटेंड करो। ठीक है, तो कोर्ट सुनने के बाद क्या एक्सटेंड कर सकता है? हाँ, बट फर्दर कितने पीरियड के लिए? 6 मंथ्स के लिए। समझा? क्लियर हुआ? अरे डन। फोर क्या लिखा हुआ है? फोर फोर ही तो वही लिखा हुआ है ना कि कोर्ट एक्सटेंड करेगा। अच्छा मान लो फोर इम फोर बोलता है कि मान लो कि जो 29A1 के अंदर था एक्चुअल 12 महीने वाला पॉइंट, फिर जो 29(3) के अंदर एक्सटेंशन मांगा एक्स्ट्रा 6 महीने का, मान लो दोनों के केस में तो भी नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या करेगा? उनके ऑफिस ही टर्मिनेट कर देगा उनका, बोले तो आर्बिट्रेटर का, इन शॉर्ट निकाल देगा आर्बिट्रेटर को। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ठीक है, पार्टीज का ही गलती है, सेटलमेंट नहीं आने के पीछे का रीजन पार्टीज ही है, तो क्या कोर्ट एक्सटेंशन दे सकता है खुद से? हाँ, लिखा हुआ है अनलेस द कोर्ट प्रोवाइड्स एक्सटेंशन। समझा क्या? देखो मैं तुमको फॉलो पूरा लिस्ट बोलता हूँ, सुनो। 29A1 बोलता है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन 12 मंथ्स में आ जाना चाहिए, फिर प्रोवाइडेड में लिखा हुआ है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी 12 महीने में आ जाना चाहिए प्लीडिंग खत्म होने के बाद। 29(2) बोलता है कि मान लो अगर आर्बिट्रेशन इतने आर्बिट्रेटर्स इतने ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव थे कि 6 महीने के अंदर ही केस सॉल्व करके दे दिया एंड दोनों पार्टीज अग्री भी कर रहे हैं, तो उस केस में क्या उनको एडिशनल फीस मिलेगा? हाँ, कौन डिसाइड करेगा? पार्टीज। 29(3) बोलता है कि मान लो अगर 12 महीने में नहीं सॉल्व हो पाया तो एक्सटेंशन मांगा जाएगा, वो कितना रहेगा? 6 मंथ्स का। 29(4) बोलता है, 29A4 बोलता है कि अगर 29(1) के अंदर जो एक्चुअल पीरियड है 12 महीना, या फिर 29(3) के अंदर जो एक्सटेंशन मांगा है 6 महीने का, अगर वो दोनों के केस में भी अगर आर्बिट्रेशन अवार्ड नहीं आ पाता है, मतलब केस सॉल्व नहीं हो पाता है, तो फिर उस केस में कोर्ट क्या स्टेप लेगा? आर्बिट्रेटर को उसकी पोजीशन से टर्मिनेट करेगा। ठीक है, हटाएगा, बट अगर कोर्ट को लगा, अनलेस इफ कोर्ट फील्स कि नहीं, द रीजन फॉर नॉट इशूइंग अवार्ड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब बाय द लॉ इज नॉट बिकॉज ऑफ द आर्बिट्रेटर, इट इज बिकॉज ऑफ द पार्टीज, तो कोर्ट कैन प्रोवाइड एक्सटेंशन, यस, और आई कैन से कोर्ट मे प्रोवाइड एक्सटेंशन। समझा? सेट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 लिखो, प्रोवाइडेड दैट व्हाइल एक्सटेंडिंग द पीरियड, provided that while extending the period, comma, if the court finds that the proceedings have been delayed, proceedings have been delayed because of arbitral tribunal, comma, then court may order for reduction of fees of arbitrators, which shall not be more than 5% for each month of such delay
नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, एज पर सेक्शन 29A सब सेक्शन 5, एज पर सेक्शन 29A सेक्शन 5, सेक्शन 29A सब सेक्शन 5, द एक्सटेंशन पीरियड, द एक्सटेंशन पीरियड रेफर्ड इन, द एक्सटेंशन पीरियड रेफर्ड इन सबसेक्शन 4, द एक्सटेंशन पीरियड रेफर्ड इन सबसेक्शन 4 मे बी गिवन ऑन द एप्लीकेशन, मे बी गिवन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, application of any of the parties and may be granted, may be granted only after giving, aisa likhna, only after considering, only after considering sufficient cause. नेक्स्ट पॉइंट, कॉज, सेक्शन 29A सबसेक्शन 6, सेक्शन 29A सबसेक्शन 6 प्रोवाइड्स दैट, प्रोवाइड्स दैट दैट व्हाइल एक्सटेंडिंग, व्हाइल एक्सटेंडिंग द पीरियड, while extending the period, comma, it is open to the court, it is open to the court to substitute one or all the arbitrators, one or all the arbitrators comma if the arbitrators are substituted, if the arbitrators are substituted comma the proceeding shall continue, the proceeding shall continue, the proceeding shall continue from the stage, continue from the stage already reached, from the stage already reached. Next point, Section 29A subsection 8, Section 29A subsection 8 provides that 7 नहीं है, मतलब काम का नहीं है. Section 29A subsection 8 provides that it shall be open to the court, it shall be open to the court, open to the court to impose actual or exemplary, 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 actual or exemplary cost upon any of the parties, actual or exemplary cost upon any of the parties under this section. Last point, as for section 29A subsection 9, as for section 29A subsection 9, comma, an application filed under
an application filed under subsection 5, an application filed under subsection 5 shall be disposed of by the court, shall be disposed of by the court, disposed of by the court, by the court within a period of 60 days, within a period of 60 days, 60 days from the date of, 60 days from the date of service of notice, 60 days from the date of service of notice on the opposite party, service of notice on the opposite party, लिखा? मुझे last point का मतलब बोलो सिर्फ, बाकी सब तुम manage कर लोगे, last point बोलो, कौन से application की बात चल रही है वो, कौन से application को 6 months के अंदर dispose करना है, कौन सा application, वो application कहाँ file हुआ था, subsection 5 में हुआ था, बराबर? तो फिर उस केस में जो एप्लीकेशन सबसेक्शन में फाइल हुआ था, तो क्वेश्चन आता है सबसेक्शन में फाइल किया हुआ एप्लीकेशन कौन सा है, सबसेक्शन 5 में 29A सबसेक्शन 5 में जो एप्लीकेशन फाइल किया था वो कौन सा वाला है, एक्सटेंशन पीरियड का, तो वो जो भी एक्सटेंशन पीरियड का एप्लीकेशन होगा असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, सेक्शन 34 में अमेंडमेंट आया एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड, लिखा? Application for setting aside an arbitral award. Setting aside an arbitral award. Then, chalo, first point. Section 34, subsection 1. Section 34, subsection 1 provides that parties can apply to the court, parties can apply to the court for setting aside award, for setting aside award, setting aside award by complying, complying, by complying, by complying, by sir, sir, hello, by complying with complying, by complying with section 34 subsection 2 and subsection 3, complying with section 34 subsection 2 and subsection 3. Second point, section 34 subsection 2, section 34 subsection 2 states that, section 34 subsection 2 states that an arbitral award may be set aside by the court, may be set aside by the court, set aside by the court only if, only if, if hyphen first, set aside by the court only if hyphen first, first the party making the application, the party making the application making the application
proofs, P-R-O-V-E-S, proofs to the arbitral tribunal, proofs to the arbitral tribunal, proofs to the arbitral tribunal that hyphen first, हाँ फर्स्ट के अंदर फर्स्ट देखो पहले 33, 34 सबसेक्शन 2 लिखा, फिर उसमें एक पॉइंट डाला, फिर उसके अभी एक अंदर और एक पॉइंट फर्स्ट फर्स्ट अ पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, द पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, द पार्टी वॉज अंडर सम इनकैपेसिटी, INCAPACITY एक ही वर्ड है, इन कैपेसिटी, इन स्पेस कैपेसिटी नहीं है. देन सेकेंड 34 ए के अंदर सेकेंड द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, जैसे इन कैपेसिटी फर्स्ट डाला तो शायद तुम्हारा रोमन नंबर 1 रहेगा, अब रोमन नंबर 2 ठीक है, द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एज पर द लॉ, द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एज पर द लॉ. थर्ड हाँ थर्ड वही चल रहा अभी, थर्ड the party making the application, the party making the application was not given proper notice, was not given proper notice of the appointment of an arbitrator, was not given proper notice of the appointment of an arbitrator, or the arbitral proceedings, or of the arbitral proceedings, next, the arbitral award, next, Fourth, Roman number 4. Bulu, the arbitral award deals with a dispute which is not covered by the arbitration proceedings bracket mein likhna, the decision is beyond the scope of arbitration scope of arbitration likha. Uske baad fifth, the composition of the arbitral tribunal, the composition of the arbitral tribunal or the arbitral procedure, or the arbitral procedure is not as per the agreement. अब पॉइंट नंबर 3 बोले तो कौन सा वाला 3, पहले तुम देखो मेरी बात सुनो, नहीं पहले तुम लोगों ने लिखा 34 सबसेक्शन 1, फिर तुम लोगों ने लिखा 34 सबसेक्शन 2, फिर उसमें लिखा पॉइंट 1,
अब उसका पॉइंट टू, अगर वो ए था तो अब अगर वो न्यूमेरिकल वन था और न्यूमेरिकल टू, समझा? ये समझा कि नहीं? एक होते हैं, एक होता है, उसके बाद आते हो तुम। देखो पहले लिखा थर्ट, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर वन, 34 सबसेक्शन वन। फिर तुम लोगों ने लिखा 34 सबसेक्शन टू, फिर उसमें मैंने तुमको लिखा है पॉइंट वन, बराबर। उसमें हम लोगों ने लिखा पांच है ना, उसमें हम लोगों ने लिखा फाइव पॉइंट्स। फिर अभी मैं तुमको पॉइंट टू बता रहा हूं, समझा? ये सेकंड है ना, तो फिर से सेकंड कैसे लिखवाऊंगा? खाली है क्या ये? साले आ जाते हैं कहीं से मंद लोग, मूर्ख साले। चलो आगाव करते जब देखो, द कोर्ट फाइंड्स दैट हाइफन फर्स्ट मत लिखो, जाने दे, छोड़ो। फाइंड्स दैट, साले चाचा ऐसे कर रहे हो जैसे मैं तुमको बोला कि ओ शिट जाओ नीचे से जाके दूध लेके आओ, वो मम्मी काम देते नीचे जाओ, तो तब ऐसा अरे यार साले। कोर्ट फाइंड्स दैट फर्स्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट is not capable of settlement under this law. Then second, the arbitral award is in conflict with the public policy of India. The arbitral award is in conflict with the public policy of India. Done. नीचे नोट लिखना है। नोट लिखना, the award is in conflict with public policy of India, comma, only if the award was affected by fraud or corruption. और को सर्कल डाल दो, और अवार्ड इज इन कॉन्ट्रावेंशन CONTRAVENTION कॉन्ट्रावेंशन विद द फंडामेंटल पॉलिसी ऑफ इंडियन लॉज। अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ
इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ विथ मोरालिटी और जस्टिस. मोरालिटी और जस्टिस डन. अच्छा अब देखो यहां पे सुनो, ये था पॉइंट नंबर 1, 33 1, 34 1, 34 2. उसमें फर्स्ट में 5 पॉइंट, फिर सेकंड में 2 पॉइंट, बराबर. अब लिखो पॉइंट नंबर 3, 34 सबसेक्शन 3, 34 सबसेक्शन 3. साले 8 मार्क के लिए आएगा ये, बाद में चैंक चैंक करोगे तुम, तब तुमको समझेगा इंसान था अच्छे से लिखवा के चले गया. अरे दुआएं दोगे तुम, दुआएं, स्टार बन गया. लिखो सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट. हाँ थर्ड पॉइंट, सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट an application for setting aside may not be made after 3 months, may not be made after 3 months have lapsed, may not be made after 3 months have lapsed, E-L-A-P-S-E-D, lapsed from the date, 3 months have lapsed from the date on which the party making application had received the arbitral award. देखा, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, हाँ फोर्थ पॉइंट, provided that if the court is satisfied that the applicant was prevented from making the application within 3 months, comma, court may entertain the application by providing 30 days as extension. Last point, providing 30 days as extension. Then last point, note लिख दो फिर इसको, last बोला था तो note के form में लिख दो. इज्जत से बोल रहा हूं मैं, last point लिखो तो साले हुशारी मार रहा. लिखो as per section 34 subsection 6, As per Section 34, Subsection 6, an application under this section shall be disposed within a period of 1 year,
shall be disposed within a period of 1 year from the date on which other party was informed about setting aside of arbitral award. Then full stop. 2 minutes सांस, 1 second सांस लो. जा, हाँ, सुनो. मेरा एक काम करो. मेरी बात समझो अच्छे से अभी. सेक्शन 34 बहुत काम की चीज है और अच्छे खासे अमेंडमेंट लाए इन्होंने. सेक्शन 34 क्या बोलता है, पहले मैं तुमको टाइटल बताता हूं क्या बोलता है, कंटेंट तुम रीड करके समझाओगे. फिर सेक्शन 34 सेज कि जो आर्बिट्रल अवार्ड इशू हो चुका है, मतलब जो आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दे दिया है, यहां एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर है तो उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अवार्ड दे दिया है उस अवार्ड को मैं सेट असाइड कर सकता हूं. कैसे, कोर्ट के पास चैलेंज करके. मैं कोर्ट को चैलेंज करके उस अवार्ड को सेट असाइड कर सकता हूं, बराबर, ठीक है, थैंक यू. तो मैं उस अवार्ड को सेट असाइड कर सकता हूं. मैं बोले तो कौन सेट असाइड कर सकता. अब देखो इसको इस तरीके से समझो, समझो मेरे और इंस्टीट्यूशन के बीच में डिस्प्यूट हुआ है और हमने पहले ये डिसाइड कर लिया था, इफ इन फ्यूचर वी हैड एनी डिस्प्यूट वी विल गो टू आर्बिट्रेटर. नाउ दैट आर्बिट्रेटर हैज गिवन डिसीजन इन द फेवर ऑफ इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट के फेवर में डिसीजन दे दिया. तो कैन आई से आई कैन चैलेंज दैट अवार्ड अंडर सेक्शन 34, बरोबर. नाउ क्वेश्चन आता है कैन आई से देयर शुड बी सम ग्राउंड्स और देयर शुड बी सम पीरियड विद इन विच आई कैन चैलेंज द अवार्ड, वो किधर दिया हुआ है, 34 में. तो क्वेश्चन आता है चैलेंज कौन करेगा, पार्टी, बराबर. कैसे, एप्लीकेशन लिख के. किसको, कोर्ट को. ए सर कोर्ट बोले तो, कोर्ट बोले तो डोमेस्टिक हुआ तो हाई कोर्ट, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट, बराबर. तो सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 बोलता है कि पार्टी में से कोई भी पार्टी जो अफेक्टेड है, जिसको लगा कि ये आर्बिट्रल अवार्ड बरोबर नहीं है, तो वो चैलेंज कर सकता है. कैसे, एप्लीकेशन लिख के. 34 सबसेक्शन 2, 34 सबसेक्शन 2 पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, 34 सबसेक्शन 2 पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, जिसमें तुम फिर पॉइंट 5 पॉइंट्स लिखते हो, उसका पॉइंट नंबर 1 पढ़ो. पढ़ा क्या बोलता है इस पॉइंट नंबर 34 सबसेक्शन 2 का पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है, द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन प्रूव्स टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दैट अ पार्टी वाज अंडर इनकैपेसिटी. कैन आई से मुझे प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट को कि सर मैं केपेबल नहीं था इस केस में. अच्छा दूसरा द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट वॉज नॉट वैलिड, इट वॉज अगेंस्ट द लॉ. कहने से मेरे को ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि जो अग्रीमेंट मेरे और इंस्टीट्यूट के बीच में बनी थी वो अग्रीमेंट वैलिड नहीं है. अच्छा तीसरा, द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन वॉज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस. कहने से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर इंस्टीट्यूट ने जब भी प्रोसीडिंग्स हुए मुझे टाइम पे बुलाया ही नहीं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया काफी बार. तो अच्छा चौथा, द आर्बिट्रल डील्स विद द dispute which is not covered by the arbitration. सर हमारा झगड़ा एक्चुअली जाना चाहिए कोर्ट में, ये बेवजह आर्बिट्रेशन का नाटक चालू है. कैन आई से सर ये सब आप क्या बता रहे हो, कैन आई से दीज आर द ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग द अवार्ड, बराबर. नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है द कॉम्पोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिप. ये मुझे पता, कॉम्पोजिशन का मतलब, कैन आई से आर्बिट्रेटर्स कितने होने चाहिए,
इवन की ऑड ऑड, बट सर मान लो टोटल तीन थे, उसमें से एक साला आता ही नहीं था, वो जिसको दोनों ने मिल के अपॉइंट किया वो आता ही नहीं है, बाकी ये दो ही आ रहे हैं। तो उस केस में जो दो आ रहे हैं, एक मेरे फेवर में बात करता है कभी कभी और एक उसके फेवर में बात करता है। जब जब डिसीजन देने की बात आई तो उसके फेवर में दोनों ने मिलकर डिसीजन दिया। तो कैन आई से सर कॉम्पोजिशन क्या बोलते हैं? लॉ बोलते देर शुड बी ऑड आर्बिट्रेटर, ऑड नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। बट सर हमारे केस में तो टेक्निकली आते तो साले दो ही थे तो इवन ही। सर देखा जाए तो सर जब तक प्रोसीडिंग चल रहा था दोनों एक अपना अपना साइड लेते थे, ऑल ऑफ सडन डिसीजन आने के टाइम पे दोनों ने उसका साइड लिया। तो क्वेश्चन करता कि सर ये रीजन वैलिड थोड़ी है या नहीं है, क्या मैं ये बोल के चैलेंज कर सकता हूँ जब लॉ बोलता है तीन तो हमारे केस में तो थे दो ही। तो उस केस में सर हो सकता है कि एक पार्टी बाद में बायस हो गया हो, तो क्या मेरा रीजन सुन सकते हैं कि उस अवार्ड को साइड करने के लिए? तो आंसर इज यस। अच्छा दूसरा क्या बोलता है? दूसरा बोलता है द सेकेंड पॉइंट इज द कोर्ट फाइंड्स दैट, इफ अगर कोर्ट को लगा कि हाँ ये वो डिस्प्यूट है जिस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन लॉ के थ्रू नहीं सॉल्व कर सकते, तो फिर उस केस में जो अवार्ड पास किया है उसको कोर्ट क्या करेगा? साइड करेगा। समझा? अच्छा दूसरा रीजन लगा, दूसरा रीजन लगा कि आर्बिट्रल द आर्बी क्या लिखा है वो द आर्बिट्रल अवार्ड इज कॉन्फ्लिक्ट विद द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन आता है सर पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया किसको बोलता है? पीछे दिया हुआ मैंने तुमको एक नोट लिखवाया, द अवार्ड इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया ओनली इफ द अवार्ड वॉज अफेक्टेड बाई फ्रॉड और करप्शन। आया ना मुद्दे की बात? कहने से मैं कोर्ट में बोल सकता हूँ सर पैसा खाया है, पहले तो तीन आर्बिट्रेटर थे एक नहीं आने के पैसे खाए हैं, दूसरे जो दो आ रहे हैं उसमें से जो मेरा साइड देता था एंड में जब उसको पूछा तो उसको भी पैसे खिलाए, तो कहने से फिर उस केस में अवार्ड साइड हो सकता है। दूसरा दूसरा इफ इट इज अगेंस्ट द फंडामेंटल पॉलिसीज ऑफ इंडियन लॉ, मतलब अगर मान लो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही अफेक्ट कर रहा है। तीसरा ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें मोरालिटी और जस्टिस को इग्नोर किया गया, तो ये ग्राउंड पे मैं चैलेंज कर सकता हूँ। फिर 34(3) क्या बोलता है? 34(3) बोलता है कि एक चीज सुन लो, अवार्ड आने के बाद कितने टाइम के अंदर मुझे अप्लाई करना है कि ये अवार्ड साइड कराओ? 3 months के अंदर। मान लो मैं 3 months में नहीं कर पाया तो फिर उस केस में मेरा कॉज सफिशिएंट लगा उनको कि मुझे प्रिवेंट किया गया था सामने वाली पार्टी ने, तो मुझे एक्सटेंशन मिलेगा। अरे एक्सटेंशन कितना मिलेगा? 30 days का। समझा? अच्छा सबसे बड़ी बात, मान लो मेरा एप्लीकेशन कोर्ट ने एंटरटेन कर लिया, कौन सा एप्लीकेशन कि अवार्ड को साइड रखो, तो वो एप्लीकेशन एंटरटेन करने के बाद वो एप्लीकेशन कितना टाइम में डिस्पोज हो जाना चाहिए? 1 year में। समझा? ये सारे डेट्स को अंडरलाइन कर दो, 1 year 30 days 3 months, डन, क्लियर हुआ? अरे समझा क्या? अब सुनो, टेक्निकली द राइटिंग पार्ट इज ओवर, कुछ नहीं लिखना हमको, बट एक बात सुनो, तीन और अमेंडमेंट्स है जो मैं तुमको लिखवा नहीं रहा हूँ, उसका मैं तुमको फोटो भेज दूंगा, ठीक है? मतलब एक स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दूंगा मैं। रही बात जो भी वीडियो देखेंगे उनको, कोई डिफिकल्ट वाला नहीं है, तुम वो जो हमें सप्लीमेंट इंस्टीट्यूट ने इशू किया है वो सप्लीमेंट को भी रीड कर सकते हो, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वो है क्या। ठीक है, जैसे 34 के बाद 35-36 सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, मॉड्यूल में से भी पढ़ सकते हो, मेरा भेजे हुए PDF में से भी पढ़ सकते हो। 37 अपीलेबल ऑर्डर्स, कहने से हम लोगों ने CBCA में भी पढ़ा था सेक्शन 104 में अपीलेबल ऑर्डर्स, तो वैसे इधर भी है। ये क्या है सर? ये अपीलेबल ऑर्डर्स का मतलब, मान लो अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 37 में अपीलेबल ऑर्डर दिया हुआ है, तो मान लो कोई ऑर्डर पास हुआ किस में, इनमें से किसी भी सेक्शन में, तो क्वेश्चन आता है क्या मैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट, मतलब जो पार्टी अफेक्टेड है क्या उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है? हाँ, किसको? कोर्ट को, तो वो अपील कर सकता है। तो अपील किन किन रीजंस और ग्राउंड्स पे होगा उस वो 37 में दिया हुआ है। फिर सर 39 क्या है? 39 का मतलब क्या है मुझे एक बात बताओ, मैं आर्बिट्रेटर हूँ, मैंने दो लोगों का डिसीजन सॉल्व करना, तो कहने से फीस हक बनता है, तो साले ये फीस नहीं देंगे तो कहने से मैं उस अवार्ड को लीन कर सकता हूँ? जब तक तुम फीस नहीं दोगे तब तक मैं अवार्ड का कॉपी नहीं दूंगा, तो वो 39 में दिया हुआ है।
42A में कौन एक अमेंडमेंट लाया, 42A और 42B में अमेंडमेंट है, ए के साथ बी भी है, वन वन लाइन का अमेंडमेंट है ये, बहुत सिंपल अमेंडमेंट है बट केस स्टडी के फॉर्म में आ सकते हैं। 42A बोलता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। मजे की बात क्या है, जब हम लोग आर्बिट्रेटर के पास बैठेंगे तो कहना है से एक पार्टी का इन्फॉर्मेशन आर्बिट्रेटर को मिलेगा, दूसरे पार्टी का इन्फॉर्मेशन भी आर्बिट्रेटर को मिलेगा, आर्बिट्रेटर को एक साइन करवाया जाएगा। तो मैं एक कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट पे साइन करो कि भले फ्यूचर में कोई भी जीते या हारे, तुम हमारी मिली हुई इन्फॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, जो प्रोसीडिंग्स में तुमको चाहिए थे, जो हमने तुमको दिए, ये तुम किसी भी मैनर में किसी के साथ भी डिस्क्लोज नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, समझा? तो वो 42A और 42B में दिया हुआ है। उसके बाद कंसीलिएशन, मैं तुमको बताया था कंसीलिएशन इज सेटलमेंट इन अ फ्रेंडली मैनर, हंसी मजाक में बैठे बैठे। कंसीलिएशन का आउटपुट क्या होता है, कंसीलिएशन का एक ही आउटपुट होता है, वो क्या कि दोनों पार्टीज अग्री करो, एक कॉमन कंसेंट पे आओ। वेरस आर्बिट्रेशन का ऐसा कुछ नहीं होता, आर्बिट्रेशन का ऐसा होता है कि एक जीतेगा एक हारेगा, द वन पार्टी हैज टू अग्री कि वॉट एवर इज डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ठीक है। मे बी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों पार्टीज को कुछ करने को बोले, हो सकता है इसको भी कुछ करने को बोले, इसको भी कुछ करने को बोले, बट एक पार्टी डोमिनेंट पोजिशन पे रहेगा ही। वेरस इन केस ऑफ कंसिलियेशन बोथ द पार्टीज हैज टू अग्री इन अ फ्रेंडली मैनर। कंसिलिएशन पूरा डिपेंड करता है कि कॉन्सिलिएटर कितना एफिशिएंट है और कितना प्रोफेशनल है इस काम में, पूरा उस पर डिपेंड करता है वो कंसिलिएशन को सॉल्व करना, समझा? फिर कंसिलिएशन के कुछ प्रोविजन जो मैंने तुमको PDF दिया है उसमें से तुम रीड कर सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोविजन है। उस PDF में भी कुछ मॉड्यूल का पेज नंबर रेफर करने को बोला, वो भूल भुला है, वो अच्छे से रेफर करना, उसको इग्नोर मत करना। कंसीलिएशन पे अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं पूछा है लास्ट 3 अटेम्प्ट में से, बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो, तो वो अच्छे से देखना। फिर उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूट ने एक अमेंडमेंट लाया और एक नया बॉडी बनाया है, आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या करेगा, ये इस पूरे लॉ को रेगुलेट करेगा। मान लो जहाँ जहाँ पे कोर्ट काम नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ पे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं मिल रहा, तो ये अपॉइंट करके देगा। इन शॉर्ट एक आर्बिट्रेशन कैसे सॉल्व होना चाहिए तो उसको रेगुलेट करने का काम ये काउंसिल करेगा। इस काउंसिल को बनाने के लिए इसमें कौन मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स का पोजीशन क्या होगा, वो सब तुमको वो सप्लीमेंट में दिया हुआ है। बट क्वेश्चन आता कि सर हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो फिलहाल क्योंकि तुम करंट बैच हो, June 20 बैच में मेरा पोर्शन हो गया है, तो June 20 वालों को सप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूट ने इशू किया है, और वो सप्लीमेंट में से रेफर कर सकते हैं कि ये है क्या। मैंने फिलहाल तुमको ऐसे ऊपर ऊपर से समराइज फॉर्म में बता दिया कि ये है क्या। तो ये एक ऐसा बॉडी है जो एक्ट को रेगुलेट करेगा, एक्ट के प्रोविजंस को रेगुलेट करेगा। सो फार एज December 20 बैच इज कंसर्न, स्पेशली मलाड बैच, तुम लोग को कहाँ से आएगा सर ये, हम कहाँ से पढ़ेंगे, सप्लीमेंट तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, अब हम क्या करें, तो ये इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं, अभी मेरे पास पढ़ा तो मैं अभी भेज दूंगा और तुम वो एक बार रीड आउट कर लेना, समझा? क्लियर हुआ?